गुनगुन साहबजादा के कैबिन से बाहर निकल गई और मुनमुन अपने सामने से गुनगुन नाम के हादसे को जाते हुए देख रही थी। मुनमुन की नजरें अभी भी गुनगुन पर टिकी हुई थी। ऑफिस के कॉरिडोर से गुजरते हुए साहबजादा की नजर गुनगुन पर पड़ी। साहबजादा ने उसकी आंखों में आंसुओं की ठहरी हुई बूंदें देखी, जिसे गुनगुन छुपाने की कोशिश कर रही थी। साहबजादा का मन हुआ कि एक बार गुनगुन का हाथ पकड़कर उसे गले से लगा ले और कह दे कि तुम्हारे सारे आंसू अब से मेरे, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई। गुनगुन उसकी आंखों से ओझल हो गई। गुनगुन अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रही थी। उसे कंपनी में आने जाने के लिए ये गाड़ी कंपनी ने दी थी। गुनगुन के बैठते ही ड्राइवर ने पूछा, कहाँ चलना है मैडम? नरीमन पॉइंट ले चलूं? इस वक्त वहाँ सनसेट बहुत सुंदर लगेगा। गुनगुन का आज कहीं भी जाने का मन नहीं था। लीला और मुनमुन की बातों ने उसके दिल में अंदर तक घाव कर दिया था। नहीं भैया, आप सीधे घर ले लीजिए। गुनगुन की आवाज में एक उदासी थी। ड्राइवर ने उस उदासी को भांप लिया था। उसने सिर्फ गुनगुन की बात का जवाब देते हुए कहा, ठीक है मैडम, आप जैसा कहें। ड्राइवर ने गाड़ी को गुनगुन के घर की तरफ घुमा दिया। ड्राइवर ने ट्रैफिक से बचने के लिए शॉर्टकट का रास्ता पकड़ा था। गुनगुन की नजरें तो खिड़की पर टिकी हुई थी, लेकिन मन कहीं और गुम था। गुनगुन को अब मुंबई का मौसम भी रास नहीं आ रहा था। कभी वो इसी मौसम की दीवानी हुआ करती थी। मुंबई की बारिश, लोकल की भीड़, वड़ा पाव और साहब, अपनी दुनिया की हर चीज से उसे प्यार था। लेकिन आज उसे ये सब बहुत तकलीफ दे रही थी। थोड़ी ही देर में गुनगुन अपने घर पहुंच चुकी थी। उसने कमरे की लाइट को ऑन किया, अपने कोट की ठीक तरह से तह करके वार्डरोब में रख दिया। इसके बाद गुनगुन सीधे ही सोफे पर धम से बैठ गई। कमरे की लाइट की तेज रोशनी आज उसकी आंखों को चुभ रही थी। गुनगुन ने उठकर लाइट को बंद किया और लो लाइट वाले नाइट लैंप को जला दिया। गुनगुन ने सोफे की कुशन को अपने सीने से चिपका लिया। उसने अपनी आंखें बंद की और उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। वो इस अंधेरे में खो जाना चाहती थी, जहाँ कोई उसे देख नहीं सकता था और ना ही जज कर सकता था। लेकिन ये असल जिंदगी में मुमकिन नहीं था। हर रोज उसे दुनिया को फेस करना पड़ता था। हर रोज एक नई जंग लड़नी पड़ती थी। गुनगुन ने अपने मन में सोचा, इस अंधेरे में कितना सुकून है। कुछ भी दिखाई नहीं देता, न फरेब, न गुस्सा और ना ही किसी की चीटिंग। शायद 5 साल पहले भी मैं वो इसी अंधेरे में गुम थी। उसने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी, इसीलिए वो अपनों का फरेब नहीं देख पाई। कब और कैसे उसके अपनों ने उसे पराया कर दिया। उसके माँ बाप, जिन्हें वो अपना सब कुछ मानती थी, उन्होंने एक ही रात में उसे अपनी जिंदगी से निकाल दिया। अगर इस तरह निकालना था तो उसे जिंदगी में लाए क्यों थे? गुनगुन को अतीत में मिले घाव अभी तक नहीं भरे थे। रह रहकर उन घावों की टीस उठती रहती और उसे अपनों के धोखे की याद दिलाती रहती। सोफे पर लेटे लेटे गुनगुन को थोड़ी नींद आने लगी और वो अपनी यादों के भंवर में फंसती चली गई। उसे दूर रोशनी दिख तो रही थी। वो साहबजादा को अपनी तरफ आते हुए देख रही थी। अपने ख्यालों में साहबजादा को देखकर गुनगुन धीमे धीमे मुस्कुरा रही थी, जैसे वो कोई हसीन ख्वाब देख रही हो। साहबजादा अभी भी धीरे धीरे गुनगुन की ओर बढ़ रहा था। तभी अचानक एक काली परछाई ने उसका हाथ पकड़ लिया। साहबजादा गुनगुन की तरफ आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन उस हाथ ने साहबजादा को अपनी तरफ खींचा। वो हाथ किसी और का नहीं, बल्कि गुनगुन की अपनी छोटी बहन मुनमुन का था। मुनमुन ने साहबजादा को अपनी बाहों में जकड़ लिया। साहबजादा भी धीरे धीरे मुनमुन की आंखों में डूबता जा रहा था। गुनगुन दूर से उन दोनों को रोकना चाहती थी। अपने ख्यालों में गुनगुन ने साहबजादा को बहुत तेज आवाज देकर पुकारा, साहब प्लीज रुक जाइए। गुनगुन के मुंह से एक चीख निकली और गुनगुन अपने ख्यालों से बाहर आई। उसने हड़बड़ाकर चारों तरफ देखा। उसे अभी भी अपने चारों तरफ एक अंधेरा दिखाई दे रहा था। गुनगुन अपने अतीत से बाहर निकल चुकी थी, लेकिन उसका अतीत एक काला भयानक सपना था। गुनगुन के माथे पर पसीने की बूंद ठहरी हुई थी। उसका शरीर एकदम ठंडा पड़ चुका था। गुनगुन उठी और उसने कमरे की लाइट ऑन की। आज उसे डिनर करने का मन भी नहीं कर रहा था। उसने अपने लिए एक कॉफी और सैंडविच बनाया। उसका मूड बहुत ऑफ था। उसे सैंडविच का भी स्वाद नहीं आ रहा था। गुनगुन ने अभी सैंडविच का एक बाइट ही लिया था कि तभी फोन बजा। उसने बिना देखे ही फोन उठाया और बुझी आवाज में कहा, हेलो गुनगुन, माथुर स्पीकिंग। फोन के दूसरी तरफ से माधुरी थी। माधुरी को केस से जुड़ी कुछ बातें डिस्कस करनी थी, इसीलिए उसने गुनगुन को फोन किया था। लेकिन गुनगुन की आवाज सुनकर माधुरी को लगा कि गुनगुन बहुत थक चुकी है। मैडम, मैं माधुरी बोल रही हूँ, केस के बारे में कुछ बात करनी थी। आपकी तबीयत शायद ठीक नहीं है, मैं आपको डिटेल्स मेल कर देती हूँ, आप सुबह एक बार चेक कर लीजिएगा। गुनगुन इस वक्त किसी से भी बात नहीं करना चाहती थी। आज बस वो अपने साथ वक्त बिताना चाहती थी।
वैसे भी वो आज खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही थी। उसने माधुरी की बात का जवाब देते हुए कहा, ठीक है माधुरी, तुम मेल कर दो, मैं देख लूंगी। माधुरी से बात करने के बाद गुनगुन अपने बेडरूम में चली गई। कमरे की लाइट को डिम किया। गुनगुन इतना थक चुकी थी, बिस्तर पर गिरते ही कब उसे नींद आ गई उसे पता भी नहीं चला। इस अंधेरी सी रात के बाद फिर से एक सुबह आई। खिड़की से छनती हुई रोशनी सीधे गुनगुन की आंखों पर पड़ रही थी। गुनगुन की आंखों में ये रोशनी चुभ रही थी। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। एक नया सवेरा नई उम्मीदों के साथ उसका इंतजार कर रहा था। गुनगुन ने ब्रश करने के बाद अपना लैपटॉप ऑन किया, अपना मेल अकाउंट खोला जिसमें माधुरी का मेल था। गुनगुन कल की बातों को भूली तो नहीं थी, लेकिन अपने काम को लेकर वो बहुत सीरियस थी। वो माधुरी के भेजे डॉक्यूमेंट को पढ़कर कुछ नोट्स बना रही थी कि तभी उसके दरवाजे की कॉल बेल बजी। गुनगुन ने दरवाजा खोला तो सामने प्रगति खड़ी थी। प्रगति को देखकर गुनगुन का चेहरा खिल उठा। एक वही थी जिसके साथ गुनगुन अपने दिल की बात शेयर करती थी। प्रगति को देखते ही गुनगुन ने उसे कसकर गले लगाकर कहा, ओ गॉड, हाउ आई मिस्ड यू, कैसी हो तुम, सो गुड टू सी यू। प्रगति उसकी बात का कुछ जवाब दे पाती तभी पीछे से एक छोटी सी बच्ची हंसते हुए दौड़कर अंदर आई और उसने गुनगुन को हग कर लिया। उसकी खनकती हंसी ने कमरे को खुशी से भर दिया। उसके पीछे पीछे एक लड़का भी कमरे में आया। उसने गुनगुन के गाल पर किस किया। दोनों बच्चों ने एक स्वर में कहा, मम्मी मम्मी हम आ गए। दोनों बच्चों को देखकर गुनगुन का चेहरा गुलाब की तरह खिल गया। उसने प्रगति की तरफ देखते हुए कहा, अरे अप्पू डप्पू तुम दोनों, आने से पहले मुझे बताया क्यों नहीं। प्रगति ने गुनगुन की तरफ देखते हुए कहा, सॉरी गुनगुन, लेकिन ये दोनों मान ही नहीं रहे थे। इतने दिनों तक तुम्हारे बगैर कभी नहीं रहे ना, बहुत जिद कर रहे थे, अर्जेंट फ्लाइट बुक करके दोनों को यहाँ लाना पड़ा। अप्पू और डप्पू को देखकर गुनगुन को बहुत खुशी तो हुई, लेकिन डर उसे सता रहा था। दोनों पूरे घर में यहाँ वहाँ नाचने लगे। तभी गुनगुन ने प्रगति से एक कंसर्निंग टोन में कहा, तुम्हें बच्चों को यहाँ नहीं लाना चाहिए था। मैं नहीं चाहती कि साहब या उसके घर वालों को मेरे बच्चों के बारे में पता चले। तुम तो जानती हो, इस बात को सोचकर ही मेरा मन घबराने लगता है। सब कुछ तो खो चुकी हूँ, अब अप्पू और डप्पू को खोने की हिम्मत मुझ में नहीं है। प्रगति गुनगुन के मन के डर को समझती थी। उसने गुनगुन की हिम्मत बढ़ाते हुए कहा, तुम बेकार में टेंशन ले रही हो गुनगुन, साहब को तो बच्चों के बारे में पता भी नहीं होगा। मुंबई इतना बड़ा शहर है, लोगों का मिलना कहाँ हो पाता है। वैसे अप्पू और डप्पू भी बहुत समझदार है, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। प्रगति की बात सुनकर गुनगुन को थोड़ी तसल्ली हुई। उसके बच्चों के आने से घर में रौनक आ गई थी। दोनों की हंसी और शरारतों से इन बेजान दीवारों के रंग भी खिल उठे थे। इतने दिनों बाद गुनगुन को किचन में जाकर कुछ बनाने का मन हुआ। उसने अप्पू और डप्पू की ओर देखते हुए पूछा, ओए शैतानो, नाश्ते में क्या खाओगे। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और आंखों के इशारों से पूछा। फिर दोनों ने सोचकर जवाब दिया, आलू का पराठा और दही। गुनगुन अपने बच्चों के लिए नाश्ता बनाने में जुट गई। प्रगति भी किचन में एंटर हुई। उसने गुनगुन की मदद करना शुरू कर दिया। दोनों किचन में नाश्ता बनाते हुए बात कर रहे थे। पुरानी बातों को याद करते हुए प्रगति ने कहा, तुम टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखते ही देखते 5 साल गुजर गए। साहब को डाइवोर्स देने के बाद जब तुम दिल्ली आई थी तो हालात कैसे थे। हाँ, बहुत ही मुश्किल समय था मेरे लिए। सब कुछ छोड़कर दिल्ली आ तो गई थी, लेकिन आने के बाद पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तब भी नहीं जानती थी कि क्या करूँगी। सच कहूँ तो अप्पू और डप्पू ने मुझे जीने की नई उम्मीद दी और मैं खुद को इतनी मजबूती के साथ खड़ा कर पाई। जब तुमने इतना सब फेस किया है और यहाँ तक पहुँच गई, तो फिर आगे की लाइफ के बारे में क्यों डरती हो। सब कुछ अच्छा होगा, ट्रस्ट मी। प्रगति से बात करते करते गुनगुन को 5 साल पुराना वक्त याद आ गया और उसकी आंखों से आंसू झलक उठे। प्रगति ने उसके कंधे पर हाथ रखा। गुनगुन ने प्रगति के हाथ को टच करते हुए कहा, थैंक यू प्रगति, सबसे मुश्किल वक्त में मेरा साथ देने के लिए। आलू का पराठा गैस पर रखा हुआ था और जलने ही वाला था। प्रगति ने गैस को बंद करते हुए कहा, देखा, फॉर्मेलिटी निभाने में पराठा जल गया होता। गुनगुन और प्रगति एक दूसरे को देखकर हंस पड़े। कल की उदास रात के बाद आज गुनगुन को थोड़ी खुशी महसूस हो रही थी। कल तक ऐसा लग रहा था कि कमरे की हर चीज के रंग उड़ गए हो, लेकिन प्रगति और बच्चों के आ जाने से घर खिल उठा था। आज गुनगुन ने भी अपने कमरे को पहली बार गौर से देखा। गुनगुन डाइनिंग टेबल पर रखे फ्लावर वाजेस को देख रही थी जिसमें ऑर्किड के फूल मुरझा चुके थे। प्रगति का ध्यान भी फूलों की तरफ गया। उसने गुनगुन से शिकायत लहजे में कहा, क्या गुनगुन, तुमने ये फूल नहीं बदले। पहले याद है तुम मुरझाए हुए फूलों को देखकर कितना चिढ़ जाती थी। गुनगुन को पुरानी बात याद आ गई। जब गुनगुन और साहबजादा की नई नई शादी हुई थी
तब साहबजादा अक्सर उसके लिए ऑर्चिड फूल लाता था। गुनगुन उन फूलों को बड़े प्यार से एक वाजिज में सजा कर रख दिया करती। साहबजादा कभी कभी गुनगुन का हाथ पकड़ कर कहते, ये फूल तो मुरझा कर फीके पड़ जाएंगे, लेकिन हमारा प्यार न तो कभी फीका पड़ेगा और ना ही कभी मुरझाएगा। साहबजादा की बात सुनकर गुनगुन उनके गले लग जाती। साहबजादा बहुत कम बात किया करते थे, लेकिन गुनगुन जानती थी कि साहबजादा उससे बहुत प्यार करते थे। गुनगुन एक बार फिर अतीत के गलियारों में चली गई और पुरानी यादों के ख्यालों में खो गई। प्रगति ने गुनगुन को हिलाया और कहा, कहाँ खो गई मैडम? गुनगुन अचानक से अपने ख्यालों से बाहर आई और इस दुनिया में अब साहबजादा उसके साथ नहीं था। साहबजादा के साथ अब उसकी अपनी बहन मुनमुन थी। गुनगुन तो शायद अब उसे अपनी बहन भी नहीं कह सकती। प्रगति समझ रही थी कि गुनगुन फिर से अतीत को याद करके दुखी थी। प्रगति ने गुनगुन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम कब तक बीती बातों को याद करके खुद को उदास करती रहोगी? तुम बीती बातों को भुला क्यों नहीं देती? गुनगुन ने अपने बच्चों की ओर देखा और कहा, अप्पू और डप्पू भी तो मेरे अतीत से जुड़े हैं, क्या मैं इन्हें भी भुला सकती हूँ? कहना बहुत आसान है, लेकिन निभाना बहुत मुश्किल। गुनगुन ने अप्पू और डप्पू की तरफ प्यार से देखा। दोनों मजे से पराठा खा रहे थे और गुनगुन उन्हें देखकर बेवजह मुस्कुराए जा रही थी। आज गुनगुन की लाइफ में इन दोनों के अलावा ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसे जीने की वजह दे सके। अप्पू और डप्पू से बढ़कर गुनगुन की लाइफ में कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर ये दोनों नहीं होते तो शायद गुनगुन भी आज इस मकाम पर नहीं होती। पराठा खत्म करने के बाद डप्पू ने पर्दे से हाथ पोछने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। गुनगुन ने उसे देख लिया और उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, पर्दे से हाथ नहीं पोछते डप्पू, पर्दा गंदा हो जाएगा। अपनी माँ की बात सुनकर अप्पू ने कहा, गंदा हो जाएगा तो धुल भी जाएगा। 5 साल पहले साहब ने भी इसी तरह का रिप्लाई दिया था। अप्पू में गुनगुन को साहब की परछाई नजर आ रही थी, लेकिन गुनगुन अप्पू और डप्पू को उस परछाई से बचाकर रखना चाहती थी। आज गुनगुन जब ऑफिस आई तो उसका मन काम में बिल्कुल नहीं लग रहा था। बीते दिन जो साहब के ऑफिस में हुआ उसने उसे अंदर तक क्षति पहुंचाई थी। अपने कैबिन से दूर तक फैले समुन्द्र को बिना पलक झपकाए गुनगुन एक टक देख रही थी। उसके अंदर के अनंत विचार समुन्द्र के अनंत फैलाव के सामने फैल रहे थे। कभी वो साहब के बारे में सोचती तो कभी 5 साल पहले की जिंदगी के बारे में। एक के बाद एक जिंदगी का हर पहलू उससे टकरा रहा था, ठीक वैसे ही जैसे किनारे पर समुन्द्र की लहरें आकर टकरा रही थी। उसने उस दिन ऑफिस में लीला और मुनमुन को भले ही मुंह तोड़ जवाब दिए थे, लेकिन उस दिन उन्होंने उसके पुराने घावों को जैसे फिर से कुरेद दिया था। बाहर से गुनगुन कितनी भी कठोर नजर आ रही थी, अंदर ही अंदर उसे अकेलेपन के एक एहसास ने जकड़ रखा था। मुनमुन ने उसके माथुर नाम का इस्तेमाल करने पर सवाल उठा तो लीला ने उसे चुड़ैल और पैसों के लिए रिश्ते रखने वाली औरत कहा। गुनगुन को ऐसे लगा जैसे उसके पास सब कुछ होने के बाद भी वो हिम्मत हार रही थी। उसे कहीं से ख्याल आया कि सबसे पहले उसे अपना खुद का घर खरीदना चाहिए। वो उसकी एक पहचान होगा और सोसाइटी में उसे एक रिस्पेक्ट भी देगा, एक जगह देगा। उसके बच्चे अब बड़े हो रहे थे, उन्हें कभी भी बाप की कमी न खलने देना गुनगुन की जिम्मेदारी थी। लेकिन उसे पता था कि वो उनके इस सवाल से हमेशा नहीं बच पाएगी कि उनके पापा कहाँ हैं। गुनगुन ने समंदर से अपनी नजरें हटाई और अपने लैपटॉप को स्टार्ट किया। उसने अपने मन में कुछ तय कर लिया था, इसीलिए उसने अपने ऑफिस के लैंडलाइन को उठाया और मिश्रा जी के चैम्बर में कॉल मिलाया। हेलो मिश्रा जी, सॉरी आपको सुबह सुबह याद किया। अरे गुनगुन, ऐसी कोई बात नहीं है, आप मुझे कभी भी याद कर सकती हो, बताओ क्या बात है? मिश्रा जी, मुझे कुछ दिन का ब्रेक चाहिए, मेंटली थोड़ा स्ट्रेस फील कर रही हूँ। गुनगुन, अगर ऐसा कुछ है या कोई तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा है तो तुम मुझे बेझिझक बता सकती हो, मिश्रा जी ने चिंता भाव से पूछा। गुनगुन ने एक पल के लिए सोचा कि उस दिन साहब के कैबिन में जो हुआ उसके बारे में बताया जाए, लेकिन अगले ही पल उसे लगा कि वो उसकी पर्सनल लाइफ है और मिश्रा जी को कुछ भी बताना सही नहीं होगा। गुनगुन, क्या सोच रही हो? क्या ये सब साहब की वजह से हो रहा है? मिश्रा जी के इन शब्दों ने गुनगुन को सोच से जैसे खींच लिया था। वो मिश्रा जी से साहब का नाम सुनकर चौंक गई, लेकिन कहीं ना कहीं तो मिश्रा जी को भी लगने लगा था कि साहब और गुनगुन में क्लाइंट और लॉयर के अलावा और भी कोई वास्ता है। नहीं मिश्रा जी, ऐसा नहीं है, मुझे अपने लिए घर भी देखना है, तो ढूंढने में शिफ्टिंग करने में वक्त लग जाएगा ना, तब तक एक ब्रेक भी मिल जाएगा। मुझे ज्वाइन करे लगभग 1 महीना होने को है, तब से अब तक लगातार काम ही कर रही हूँ। ठीक है गुनगुन, तुम चाहो तो आज से ही ऑफ ले सकती हो, और अगर कोई मीटिंग हो तो उसे भी कैंसिल कर दो, और कोर्ट की डेट हो तो बता देना,
तुम्हारी जगह हम किसी असिस्टेंट को भेज देंगे। और गुनगुन, अगर और भी कुछ हेल्प चाहिए हो तो बताना, मैं तुम्हें अपने ब्रोकर का नंबर देता हूँ, वो तुम्हें तुम्हारी पसंद की जगह पर घर दिखा देगा। ठीक है मिश्रा जी, थैंक यू। इतना कहकर गुनगुन ने फोन रखा और अपना बैग पैक करने लगी। उसके फोन पर मैसेज आया, मिश्रा जी ने ब्रोकर के नंबर भेज दिए थे। गुनगुन ने माधुरी को अंदर बुलाया और स्माइल कंपनी से होने वाली मीटिंग की डेट्स पूछी। मैम, अगले 4 दिन में कोई मीटिंग नहीं है, उनकी तरफ से क्या डिसाइड होता है उसके बाद ही कोई मीटिंग होगी। ठीक है माधुरी, मैं 4 दिन की छुट्टी पर जा रही हूँ, साहब या कोई भी क्लाइंट कॉल करे या मिलने के लिए कहे तो प्लीज अपॉइंटमेंट मत देना। माधुरी ने हाँ में सिर हिलाया और खड़ी रही। गुनगुन ने माधुरी की तरफ देखा और एकाएक पूछा, तुम कहाँ रहती हो माधुरी? गुनगुन का सवाल सुनकर माधुरी चौंक गई। वो गुनगुन के साथ पिछले 1 महीने से है, लेकिन ये पहला पर्सनल सवाल था जो गुनगुन ने पूछा था। माधुरी ने फाइल्स को टेबल से उठाते हुए कहा, जी मैं मडालन में रहती हूँ। मडालन सुनते ही गुनगुन के सामने यॉट और 5 साल पहले की वो शाम याद आ गई। लेकिन उसने अपने विचारों को रोकते हुए माधुरी से पूछा, किसके साथ रहती हूँ? मैडम, मैं मेरे हस्बैंड और 2 बच्चों और आई, मतलब मेरे हस्बैंड की मम्मी। गुनगुन के चेहरे पर खुशी सी आ गई। वो माधुरी के चेहरे पर परिवार के होने का सुख देख पा रही थी। क्या हुआ मैडम, आप अचानक आज ये क्यों पूछ रही है? ऐसे ही माधुरी, हम दोनों को कभी काम से अलग कुछ बात करने का मौका ही नहीं मिला, और मैंने अब छुट्टी ले ली है, तो इसीलिए नो मोर वर्क टॉक। गुनगुन ने हंसते हुए कहा, आप किसके साथ रहती हैं? मैं अकेली रह रही हूँ, मैंने घर ढूंढने के लिए ही छुट्टी ली है। आप मर आओ ना, वहाँ काफी अच्छे फ्लैट मिल जाएंगे सही रेंट पर। मुझे खरीदना है तो मैं उसी हिसाब से देख लूंगी। माधुरी एक पल के लिए ठहर गई। जितनी आसानी से गुनगुन ने खरीदने की बात की थी, वो माधुरी के लिए बहुत बड़ी बात थी। मुंबई में घर खरीदना इतना आसान नहीं था। गुनगुन ने उसे भाप लिया और कहा, माधुरी तुम जब बहुत मेहनत करोगी और एक दिन जब मुझ जैसी बड़ी लॉयर बन जाओगी तो तुम्हारे लिए भी एक घर लेना इतना ही आसान होगा। तुम्हें किसी की तरफ अपनी लाइफ के डिसीजन लेने के लिए नहीं देखना पड़ेगा, तुम आजाद रहोगी। इसीलिए जम के मेहनत करो और मेहनत से कभी पीछे मत हटना। ये गुनगुन माधुरी से कह जरूर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये वो खुद को भी समझाना चाह रही थी। उसने जब अपने हिस्से की शोहरत पा ली है तो उसके लिए ये कहना अब आसान है और लोग उसे सुनेंगे भी सही। माधुरी के चेहरे पर एक पॉजिटिव स्माइल ने जगह बना ली थी, जो आंखों ही आंखों में गुनगुन से इन सब बातों को पूरा करने का वादा कर रही थी। गुनगुन अपनी जगह से खड़ी हुई और अपना बैग लेकर ऑफिस से निकल गई। गुनगुन ने ब्रोकर को फोन लगाकर शाम की मीटिंग फिक्स कर दी। उसने प्रगति को फोन लगाया और ऑफिस से जल्दी आने के लिए कहा। घर जाते ही गुनगुन ने देखा कि अप्पू डप्पू गार्डन में खेल रहे हैं। अप्पू डप्पू ने गुनगुन को जैसे ही देखा, वो दौड़ते हुए आए और गुनगुन को गले लगा लिया और हाथ पकड़कर मिट्टी से बने अलग अलग क्रिएचर दिखाने लगे। डप्पू ने गुनगुन का हाथ पकड़ा और मिट्टी के बने क्रिएचर को दिखाते हुए कहा, मॉम ये देखो, ये है आप, ये मैं, ये अप्पू और ये पापा। गुनगुन ने स्माइल के साथ डप्पू को देखा। इससे पहले कि गुनगुन कुछ और सोचती, डप्पू ने हाथ पकड़ा और कहा, यहाँ मैं हमारा घर बना रहा हूँ, इसमें हम सब साथ रहेंगे। गुनगुन ने अप्पू और डप्पू को गोदी में उठाया और अंदर ले जाते हुए कहा, हम आज असली घर देखने जा रहे हैं जहां हम रहेंगे। तुम्हारे लिए बेडरूम होगा, प्ले एरिया होगा, स्विमिंग पूल और बेस्ट मिनी थिएटर जहां तुम अपने फेवरेट कार्टून देखोगे। अप्पू ने तभी पूछा, वहां पापा भी होंगे, उनका बेडरूम भी होगा? गुनगुन इन सवाल पर रुक गई और उसने बात बदलते हुए एक्साइटमेंट से कहा, चलो चलो अब फटाफट फ्रेश हो जाओ और नए कपड़े पहन लो, हम आइसक्रीम खाएंगे और सी साइड जाएंगे, उसके बाद रात में वीडियो गेम खेलेंगे, काफी फन होगा, बस अब जल्दी से रेडी हो जाओ। गुनगुन उन्हें बातें करते करते बाथरूम में ले गई और फिर केयरटेकर को उन्हें जल्दी नहलाने का बोलकर गुनगुन अपने कमरे में चली गई। कमरे में गुनगुन को दोबारा बच्चों की बातों ने घेर लिया। वो शीशे के सामने बैठकर खुद को देख रही थी। उसने 5 साल पहले तय किया था कि वो इन बच्चों के बारे में किसी को नहीं बताएगी और उसने ऐसा ही किया। पूरे 5 साल हो गए पर किसी को पता नहीं है कि गुनगुन के 2 बच्चे हैं। उसने उन्हें उनके पिता से भी छुपा रखा था, लेकिन गुनगुन ने आज के दिन का नहीं सोचा था जब बच्चे उससे हर दिन पूछेंगे कि पापा कहाँ हैं। उनका ये सवाल उसे कमजोर बना रहा था, खासकर तब
जब वो पहले से ही कमजोर और लो फील कर रही थी। पिछले एक महीने में बच्चे नहीं थे तो कम से कम वो अपना पूरा ध्यान काम में लगा पा रही थी, लेकिन अब उनके सवाल और उनका ध्यान रखना गुनगुन के लिए एक चिंता थी। उन्हें इस शहर में रहते हुए साहब की नजरों से बचाना भी एक टास्क था। जिस तरह का नेचर अप्पू का है और जितना समझदार वो है, गुनगुन जानती थी कि वो जरूर पापा के बारे में और पूछेगा, और उसे देखकर डप्पू भी अपने पापा को याद करने लगती थी। गुनगुन ने हार कर अपने मुंह को हाथों में भरा और मुंह ऊपर करते हुए उसने अपने बालों को जकड़ लिया और कुछ देर एक सन्नाटे में वो बैठी रही। कुछ देर में प्रगति ने आकर दरवाजे पर दस्तक दी और गुनगुन को इस हालत में देखकर वो उसके पास तेजी से आई। क्या हुआ गुनगुन, सब ठीक तो है? गुनगुन ने ऊपर देखा, उसकी आंखें लाल थी। प्रगति ने उसे झट से गले लगा लिया। कुछ देर वो एक दूसरे के गले लगकर बैठे रहे और तभी बच्चे कमरे में चिल्लाते हुए दाखिल हुए। उनकी आवाज सुनते ही गुनगुन और प्रगति नॉर्मल हो गए और मुस्कुराने लगे। गुनगुन ने उनकी तरफ देखा और कहा, वाओ, माय बेबीज आर लुकिंग प्रिटी। मॉम को थोड़ा सा टाइम दे दो रेडी होने के लिए, फिर हम चलते हैं। इतना कहकर गुनगुन तुरंत बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद तीनों घर देखने के लिए निकले। गुनगुन ने ब्रोकर को पहले ही बता दिया था कि उसे बंगलो चाहिए ताकि बच्चों के लिए खेलने की स्पेस हो, इसलिए ब्रोकर ने उन्हें मड आइलैंड बुलाया। मुंबई शहर से कटा ये छोटा सा आइलैंड बड़े घरों के लिए फेमस था। जाने के लिए गुनगुन बच्चे और प्रगति छोटी सी बोट पर बैठे और समुंदर का छोटा सा हिस्सा पार करने लगे। बच्चे बाहर आकर खुश थे और अपने आसपास लोगों को देखकर उनमें एक्साइटमेंट थी। प्रगति ने गुनगुन के साथ बच्चों की कुछ फोटोज क्लिक करी और बोट पर सबने भुट्टा खाया। कुछ देर बाद सब एक बंगलो के बाहर खड़े थे। ब्रोकर भी वहां आ चुका था। उसने सफारी सूट पहना हुआ था और उसके बालों की काली मेहंदी उसकी अधेड़ उम्र को छुपाने में समर्थ नहीं थी। नमस्कार मैडम, मैं नारायण, हमारी ही बात हुई थी फोन पर। आपके लिए मेरे पास दो ऑप्शन है, एक सी फेसिंग और दूसरा नॉन सी फेसिंग। सी फेसिंग देखते हैं। इसके बाद गुनगुन की टैक्सी ने ब्रोकर को फॉलो करा और कुछ देर बाद वो एक सफेद रंग के बंगले के सामने खड़े थे। बच्चे घर देखकर उछलने लगे और चिल्लाने लगे, हमारा घर, हमारा घर। सब घर में घूमने लगे। सबसे पहले बड़ा हॉल था जिसकी दीवार अंदर से सफेद थी और कुछ फ्रेम्स लगी हुई थी। नारायण ने घर के बारे में बताना शुरू करा और एक एक करके उसने बाकी हिस्से बताते हुए कहा, ये हॉल है, इसके अलावा तीन बेडरूम, लिविंग एरिया, यहाँ से आपको सी व्यू मिलेगा। इसके अलावा इसमें आपको मिलेगा एक मिनी थिएटर। मिनी थिएटर की सीट पर बच्चे बैठकर देख रहे थे। गुनगुन और प्रगति लिविंग एरिया में कुछ बातें करने में लग गई। इसे मैं अपना मिनी ऑफिस बना सकती हूँ, काफी किताबें रखनी पड़ेंगी तो ही स्पेस सही रहेगी, ऊपर से सी व्यू है तो स्ट्रेस भी रिलीज होते रहेगा, कम से कम सिर तो नहीं फटेगा। गुनगुन और प्रगति हंसने लगे। बच्चे थिएटर से निकलकर हॉल में आ गए, तभी अप्पू को टेबल पर न्यूज़पेपर दिखा। उसने उठाया और फ्रंट पेज पर देखा तो साहब का फोटो था। डप्पू ने भी उसे बड़े ध्यान से देखा और अप्पू के चेहरे से उसने साहब के चेहरे को मैच करते हुए कहा, भैया ये तो आपके जैसा दिखता है। अप्पू ने दोबारा देखा और उसे भी लगा कि उसका चेहरा पेपर में लगे साहब के फोटो से मिलता है। तभी प्रगति और गुनगुन की आवाज आई। अप्पू ने उनकी आवाज सुनकर पेपर से साहब के फोटो को फाड़कर अपनी जेब में रख लिया। डप्पू की आंखें खुली रह गई और उसने कहा, भैया आप ये क्या कर रहे हो? डप्पू तुम चुप रहो, मम्मी सुन लेंगी। गुनगुन और प्रगति ने बच्चों को देखते हुए पूछा, कैसा लगा तुम्हें घर? बहुत अच्छा, एकदम मस्त, मम्मी की तरह, डप्पू ने हंसते हुए कहा और गुनगुन ने उसे उठाकर किस किया। गुनगुन नहीं जानती थी बच्चे साहब के कितने करीब थे, जितना साहब से उन्हें बचाने के लिए वो ये सब कर रही थी, लेकिन बच्चे उतने ही साहब के करीब आ रहे थे। गुनगुन से नजरें बचाकर अप्पू और डप्पू अपने पिता के बारे में बातें कर रहे थे। डप्पू ने अपनी प्यारी आवाज में अपने भाई से पूछा, भाई क्या तुम पापा के बारे में जानते हो? अप्पू ने अखबार की कटिंग निकाली जिसमें साहब की फोटो छपी थी। अप्पू और डप्पू अखबार को गौर से देख रहे थे। डप्पू ने अप्पू की ओर देखते हुए कहा, देखो जैसे हम दोनों का चेहरा मिलता है वैसे इनका भी चेहरा हमसे कुछ कुछ मिलता है। डप्पू ने अपने भाई की तरफ मासूमियत से देखते हुए कहा, तो इसका मतलब क्या यही हमारे पापा है?
देखने में तो ये एकदम आपके जैसे लगते हैं। अप्पू अभी इस बात को लेकर एकदम श्योर नहीं था। उसने अपना मोबाइल निकाला और गूगल मैप से साहब के ऑफिस की लोकेशन चेक की। अप्पू का दिमाग अपनी उम्र के बच्चों से थोड़ा तेज था। उसने साहब के ऑफिस का एड्रेस भी लिख लिया। फिर उसने अपनी बहन से कहा, चलो हम जाकर पता करते हैं। गुनगुन प्रगति के साथ मकान को देखने में लगी थी। उसने मकान के एक एक कोने को देखा। उसके दिमाग में अभी से ये प्लानिंग चल रही थी कि वो कौन सी चीजें कहाँ रखेंगे। मकान को देखते हुए गुनगुन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई थी। प्रगति ने गुनगुन की तरफ देखते हुए कहा, थैंक गॉड तुम्हारे चेहरे पर थोड़ी मुस्कान तो आई, वरना मुझे लग रहा था कि मैडम जैसे हंसना ही भूल गई। गुनगुन प्रगति की ओर देखकर मुस्कुरा दी। ब्रोकर उन दोनों की बातों से आश्वस्त हो गया था। उसे लग रहा था कि इस घर की डील तो पक्की है। गुनगुन ने अप्पू और डप्पू को कोने में कुछ बात करते हुए देखा। उसने प्रगति को इशारे से दोनों की ओर इशारा करते हुए कहा, ये दोनों वहाँ कोने में क्या खिचड़ी पका रहे हैं? अप्पू और डप्पू अपनी बातों में मगन थे। अप्पू डप्पू को कल का पूरा प्लान समझा रहा था। तभी अप्पू ने सामने से प्रगति और गुनगुन को आते देखा। अप्पू ने अपनी बहन को इशारे से चुप रहने को कहा। गुनगुन ने उन दोनों के पास आकर कहा, क्या बातें चल रही है दोनों भाई बहन में? अप्पू ने झूठी बात बनाते हुए कहा, ये डप्पू मुझसे कह रही थी कि हमारे खिलौने कहाँ रखेंगे, उनके लिए तो कोई जगह ही नहीं बची। गुनगुन अप्पू की बात सुनकर हंस पड़ी। उसने अप्पू डप्पू को गले से लगाया और कहा, तुम्हारे खिलौने के लिए भी जगह बनाई जाएगी, पहले ये घर तो लेने दो। गुनगुन को बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लोकेलिटी पसंद आई। बच्चों को भी घर अच्छा लगा था, तो उसने घर की डील अगले 2-3 दिनों में फाइनल कर ली थी। गुनगुन अपने बच्चों को लेकर बहुत कंसर्निंग थी। वो अपने बच्चों को बेस्ट एजुकेशन देना चाहती थी, इसलिए गुनगुन ने एक प्ले स्कूल से बात कर ली थी। अगले दिन गुनगुन बिजी रही, क्योंकि वो साथ ही साथ शिफ्टिंग भी कर रही थी। प्रगति के घर पर आज उसका लास्ट दिन था। उसने बच्चों को नहीं बताया था कि स्कूल के बाद वो अपने नए घर पर जा रहे हैं। सुबह सुबह गुनगुन ने अप्पू डप्पू को तैयार किया और उन्हें प्ले स्कूल में ड्रॉप करने के लिए निकल पड़ी। गुनगुन ने अपनी गाड़ी से दोनों को प्ले स्कूल के गेट पर छोड़ा। डप्पू गेट से अंदर जा ही रही थी कि तभी अप्पू ने उसका हाथ पकड़ लिया और धीमी आवाज में कहा, कहाँ जा रही हो? हमें स्कूल के अंदर नहीं जाना है, भूल गई? हमें पापा को ढूंढने जाना है। डप्पू ने अपने भाई का हाथ पकड़ा और दोनों गुनगुन की गाड़ी को जाते हुए देख रहे थे। जैसे ही गुनगुन की गाड़ी क्रॉस कर गई, दोनों वहां से चल पड़े। अप्पू ने अपनी बहन को हिदायत देते हुए कहा, सुनो तुम याद रखना, हमें प्ले स्कूल की छुट्टी से पहले वापस आना है। दोनों अपने पिता की तलाश में निकल पड़े। अप्पू और डप्पू के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने बस से ट्रैवल करना सही समझा। अप्पू और डप्पू अभी बस से उतरे ही थे कि उन्हें चोर चोर की आवाज सुनाई दी। चोर अप्पू और डप्पू की तरफ ही आ रहा था। दोनों चौकन्ने हो गए। अप्पू ने डप्पू की ओर कुछ इशारा किया। अपने भाई का इशारा पाकर डप्पू ने चोर के पैर पकड़ लिए और अप्पू ने भी चोर का दूसरा पैर पकड़ लिया। चोर जमीन पर धम से जा गिरा। अप्पू और डप्पू चोर को अभी तक पकड़े बैठे थे, तभी पीछे से एक औरत की आवाज आई, थैंक यू बच्चों। दोनों ने मुड़कर देखा तो सामने एक औरत खड़ी थी। वो औरत कोई और नहीं बल्कि लीला देवी थी। लीला देवी इस बात से बेखबर थी कि वो अपने पोते और पोती से बात कर रही है। लीला देवी ने चोर के हाथों से अपना पर्स छीना। चोर लीला देवी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा था। लीला देवी जब तक उसे कुछ कह पाती, चोर वहां से भाग खड़ा हुआ। लीला देवी ने अप्पू और डप्पू की तरफ झुककर कहा, आप तो बहुत बहादुर हैं, लेकिन आपके मम्मी पापा कहाँ हैं? अप्पू और डप्पू ने लीला देवी की तरफ देखा। डप्पू ने बहुत ही क्यूट तरीके से अपने दोनों हाथों को गालों पर रखा और कहा, हम अपने पापा को ढूंढने निकले हैं। लीला को बच्चे जाने पहचाने से लग रहे थे। उन्हें देखकर जैसे लीला सब कुछ भूल गई थी। वैसे अप्पू और डप्पू देखने में एकदम एक जैसे दिखते थे, लेकिन अप्पू के बोलने के तरीके में उन्हें अपना बेटा साहब नजर आ रहा था। उन्होंने बच्चों की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारे पापा कहीं खो गए हैं? वैसे पापा का तो नहीं मालूम, लेकिन तुम मुझे अपनी दादी कह सकते हो। तभी पीछे से ड्राइवर दौड़ते हुए आया। लीला देवी को देखकर वो डर के मारे कांप रहा था। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, सॉरी मैडम, वो मैं देख नहीं पाया। लीला देवी ने बहुत ही नर्म लहजे में कहा, कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना। ड्राइवर लीला देवी को हैरानी से देख रहा था। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। ड्राइवर भी सोच रहा था कि मैडम इतनी शांत कैसे हो। ड्राइवर बच्चों की ओर देख रहा था। दोनों दिखने में एक जैसे लग रहे थे।
ये ड्राइवर लीला देवी का सबसे वफादार ड्राइवर था। साहब जब 2 या 3 साल का रहा होगा तब से वो लीला देवी के यहाँ ड्राइवर था। डप्पू पर नजर पड़ते ही ड्राइवर के मुंह से निकल पड़ा, अरे मैडम, इसको देखकर तो छोटे माली का बचपन याद आ गया। लीला देवी ने बच्चों की तरफ देखते हुए कहा, आप लोग मेरे घर चलोगे? अप्पू और डप्पू को अपने पिता से मिलने की जल्दी थी। वैसे भी गुनगुन ने उन्हें सिखाया था कि किसी भी अजनबी के साथ कहीं नहीं जाना है। दोनों ने एक साथ कहा, अभी हमें कहीं नहीं जाना, फिर कभी। जाते जाते दोनों ने लीला देवी को हाथ हिलाते हुए बाय बाय कहा। डप्पू को अचानक से कुछ याद आया, वो भागते हुए लीला के पास गई और उन्हें इशारे से झुकने को कहा। लीला देवी थोड़ा झुकी। डप्पू ने उनके कान में धीरे से कहा, आप थोड़ा ध्यान से जाना, मुंबई में बहुत चोर घूमते हैं। लीला देवी को डप्पू की बात सुनकर हंसी भी आ रही थी और प्यार भी। उन्होंने डप्पू के गाल पर अपना हाथ रखा और कहा, जी मैं अपना ध्यान रखूंगी। इसके बाद डप्पू दौड़कर अपने भाई के पास गई। अप्पू ने अपनी बहन का हाथ पकड़ा और दोनों वहां से चल दिए। लीला देवी उन्हें जाते हुए देख रही थी। थोड़ी ही देर में दोनों लीला देवी की आंखों से ओझल हो गए। उधर अप्पू और डप्पू साहब के ऑफिस की बिल्डिंग तक पहुंच चुके थे। दोनों बिल्डिंग के लिफ्ट में एंटर हुए और उन्होंने टॉप फ्लोर का बटन दबाया। लिफ्ट में एक मिडिल एज की महिला दाखिल हुई। अप्पू अपनी बहन के पास गया और उसने धीरे से उसे कहा, डप्पू सिर्फ मुझे फॉलो करना, जैसे जैसे मैं जाऊं तुम मुझे फॉलो करते जाना। जैसे ही लिफ्ट टॉप फ्लोर पर रुकी, वो औरत लिफ्ट से निकलकर साहब के ऑफिस की तरफ बढ़ी। अप्पू ने अपनी बहन का हाथ पकड़ा और उस औरत के पीछे पीछे वो भी ऑफिस में दाखिल हो गया। कॉरिडोर से गुजरते हुए रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें देखा, लेकिन उसे लगा कि ये बच्चे उस औरत के साथ होंगे, इसलिए रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें नहीं रोका। कॉरिडोर से गुजरने के बाद अप्पू और डप्पू आखिरकार साहब के कैबिन तक पहुंच गए। साहब के कमरे के बाहर उसके नाम की नेम प्लेट लगी थी। अप्पू ने उस नेम प्लेट को पढ़ा और दोनों के कदम वहीं रुक गए। अप्पू ने अपनी जेब से अखबार का टुकड़ा निकाला। दोनों ने चुपके से कैबिन के अंदर झांका। अप्पू ने अखबार के चेहरे को साहब के चेहरे से मिलाया। डप्पू पीछे से उसे देख रही थी। साहब की तस्वीर को देखकर डप्पू ने कहा, भैया ये तो बिल्कुल आपकी तरह है, ये भी आपकी तरह नाक सिकोड़ कर बात करते हैं। साहब उस वक्त किसी से फोन पर बात कर रहा था। बात करते हुए वो अपनी नाक बार बार सिकुड़ रहा था, जिसे देखकर डप्पू को हंसी आ गई। उसने अपने दोनों हाथ मुंह पर रखे और हंसने लगी। तभी कमरे के दरवाजे से अचानक उसका सिर टकरा गया। सिर टकराते ही डप्पू रोने लगी। डप्पू को रोता देख अप्पू ने उसके कंधे पर हाथ रखा और नाक सिकुड़ते हुए कहा, अब रोना बंद करो वरना उसको पता चल जाएगा। डप्पू अभी भी सुबक सुबक कर रो रही थी। बीच में उसकी नाक बहना शुरू हो गई। अप्पू ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, अरे चुप हो जाओ और देखो अपनी नाक पोंछ लो, बहुत गंदा लग रहा है। अपने भाई की बात सुनकर डप्पू को लगा कि वो उसे चिढ़ा रहा है। इसके बाद डप्पू ने और जोर जोर से रोना शुरू कर दिया और रोते रोते कहा, मैं माँ को बता दूंगी कि तुम मुझे फिर से चिढ़ा रहे थे। दोनों भाई बहन के बीच की बहस जल्दी ही एक झगड़े में बदल गई। अप्पू ने अपने बहन की चोटी खींच दी और डप्पू और जोर से रोने लगी। साहब उस वक्त गुनगुन के ख्यालों में डूबा हुआ था। वो सोच रहा था कि काश वो गुनगुन को जाने से रोक पाता, उनकी अपनी एक प्यारी सी फैमिली होती। तभी डप्पू का रोना सुनकर साहब अपने ख्यालों से बाहर आया। उसने अपने कैबिन से बाहर झांक कर देखा। अप्पू अपनी बहन के सामने कान पकड़ कर खड़ा था और उसे सॉरी बोल रहा था। साहब दोनों को गौर से देख रहा था। दोनों के बीच अंतर कर पाना बहुत मुश्किल था। साहब अपने कैबिन से बाहर निकला और उसने डप्पू का हाथ पकड़ लिया। डप्पू उसे देखकर थोड़ा डर गए। वो अपनी क्यूट आंखों से साहब की ओर देखे जा रही थी। साहब ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए प्यार से पूछा, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रही हैं? डप्पू चुपचाप अपने भाई की ओर देख रही थी। डर के मारे उसके गले से आवाज भी नहीं निकल रही थी। उधर रिसेप्शनिस्ट थोड़ी दूर से सब देख रही थी। उसे जल्द ही अपनी गलती का एहसास हुआ। वो दौड़कर साहब और बच्चों के पास पहुंचा। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, आई एम सॉरी सर, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, मैं अभी इन्हें बाहर तक छोड़कर आती हूँ। साहब ने उनकी तरफ देखा, बच्चों ने जैसे उनका मन मोह लिया हो। साहब को उन्हें देखकर अजीब सी खुशी महसूस हो रही थी, ठीक वैसी ही जैसे किसी अपने को देखकर होती है। साहब अप्पू की ओर झुका और उसकी नाक को टच करते हुए उसने पूछा, लगता है आप लोग यहाँ गलती से आ गए हैं। अप्पू ने पहले साहब को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा,
क्या हम आपको कोई एक दो साल के छोटे बच्चे नजर आते हैं जो गुम हो जाएंगे? आज तक साहब से इस लहजे में बात करने की हिम्मत किसी ने भी नहीं की थी। अप्पू वो पहला इंसान होगा जिसने साहब से इस तरह से बात की थी। साहब से बात करते वक्त वो ऐसा लग रहा था जैसे अप्पू बच्चे की शक्ल में एकदम कोई दादी अम्मा हो। साहब के स्टाफ के बाकी लोगों ने ऐसा नजारा आज से पहले कभी नहीं देखा था। सभी अपनी गर्दन झुकाकर धीमे धीमे हंस रहे थे, लेकिन साहब से नजरें मिलाने की हिम्मत कोई नहीं कर पा रहा था। साहब ने अब थोड़ा कड़क रुख अपनाया और बनावटी ढंग से कड़कती हुई आवाज में कहा, अगर तुम गुम नहीं हुए हो तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो? डप्पू ने अपनी गर्दन झुका ली और साहब का पेट खींचा और धीरे से कहा, हम अपने पापा को ढूंढने आए हैं। साहब डप्पू के मासूम चेहरे की ओर देख रहा था। इतनी मासूम लड़की से तो वो 5 साल पहले मिला था और उस लड़की का नाम गुनगुन था। डप्पू का चेहरा साहब को गुनगुन की याद दिला रहा था। पापा को ढूंढने आए हो? क्या तुम्हारे पापा कहीं खो गए हैं? अप्पू ने अपनी नाक सिकुड़ते हुए और थोड़ा अकड़ते हुए अंदाज में कहा, मेरे पापा कहीं नहीं खोए हैं, बल्कि हमारी माँ ने हमें अपने पापा के बारे में अभी तक नहीं बताया। साहब को बच्चों की बात सुनकर हैरानी हुई। वो इन बच्चों के बारे में जानने के लिए और इच्छुक था। साहब को अप्पू के जवाब से एक बात जरूर समझ आई कि वो झूठ नहीं बोल रहे थे। वो वाकई पूरी तैयारी के साथ अपने पापा को ढूंढने आए थे। साहब की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। उसने बच्चों से फिर पूछा, तुम्हारी माँ कौन है, कहाँ रहती है और उन्होंने तुम्हें तुम्हारे पापा के बारे में क्यों नहीं बताया? अप्पू ने फिर से अपनी नाक सिकुड़ी और साहब की तरफ देखते हुए कहा, हम आपको क्यों बताएं अपनी माँ के बारे में और आप क्यों पूछ रहे हैं? अप्पू को बार बार नाक सिकुड़ते देखकर साहब को गुस्सा आ रहा था और उस पर से अप्पू के आड़े टेढ़े जवाबों ने साहब के गुस्से को और भी बढ़ा दिया था। साहब ने नाक सिकुड़कर गुस्से से कहा, तुम मेरी नकल क्यों उतार रहे हो? साहब की बात का जवाब देते हुए अप्पू ने कहा, मैं तो बचपन से ऐसे ही बात करता हूँ, नकल तो आप उतार रहे हैं मेरी। साहब ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा, क्या मतलब है तुम्हारा, मैं भी बचपन से ऐसे ही बात करता हूँ। अप्पू ने टाइम देखने के लिए साहब के हाथ से मोबाइल ले लिया। साहब अवाक सा अप्पू की तरफ देख रहा था। टाइम देखने के बाद अप्पू ने डप्पू की ओर इशारा किया। अप्पू ने साहब का मोबाइल पास रखी टेबल पर रखा। इसके बाद उसने डप्पू का हाथ पकड़ा और कहा, भाग डप्पू वरना लेट हो जाएंगे। बच्चे जब कॉरिडोर से गुजर रहे थे तब फोटोकॉपी मशीन के पास जेरोक्स कर रही एम्प्लॉई ने बच्चों को देखकर कहा, ये दोनों जेरोक्स कॉपी है और साहब ज्यादा इनकी जेरोक्स कॉपी, कहीं ये साहब सर के तो बच्चे नहीं है? साहब ने उस औरत की तरफ गुस्से से देखा और वो औरत अंदर तक कांप गई। दोनों बच्चे सही सलामत प्ले स्कूल वापस लौट आए थे। गुनगुन को आने में अभी भी 5 मिनट बाकी थे। दोनों गुनगुन का स्कूल के गेट पर इंतजार कर रहे थे। कुछ ही देर में गुनगुन उन्हें लेने पहुंच चुकी थी। गुनगुन ने अप्पू से पूछा, कैसा रहा दिन? हाँ माँ, बहुत मजा आया। अप्पू की बात सुनकर डप्पू मुंह पर हाथ रखकर हंस रही थी। गुनगुन इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि बच्चे साहब से मिलकर आए हैं। उधर साहब भी बच्चों की हकीकत से अनजान था। जब गुनगुन उन्हें अपने नए घर लेकर गई तो बच्चों को ये सरप्राइज अच्छा लगा। गुनगुन ने इतने कम समय में उनका रूम और घर पूरी तरह से डेकोरेट कर लिया था। सिंपल एलिगेंट डेकोर घर को एक क्लासी लुक दे रहा था। उसने बच्चों का ध्यान रखने के लिए एक परमानेंट केयर टेकर को रखा जो करीब 50 साल की मराठी औरत थी। दिखने में दुबली पतली और स्वभाव से शांत। जब गुनगुन बच्चों को स्कूल से लेकर लौटी तो केयर टेकर ने खाना बनाकर रेडी रखा था। उसने बच्चों के बैग से टिफिन बॉक्स निकाले और देखा कि उसमें रखा हुआ खाना जैसा था वैसा ही है। तब केयर टेकर ने अप्पू से पूछा, बाबू आपने आज खाना नहीं खाया? अप्पू एक सेकंड के लिए डर गया। साहब के ऑफिस जाने और आने में उन्होंने अपना लंच नहीं करा था, इसलिए बहाना बनाते हुए अप्पू ने कहा, आंटी मेरा पेट दर्द हो रहा था। लेकिन डप्पू ने भी नहीं खाया? मैंने अपनी फ्रेंड के टिफिन से खाया था, इसलिए बचा हुआ है। डप्पू का जवाब सुन अप्पू को मन ही मन खुशी हुई। उसे लगा जैसे वो और बड़ी हो गई है। गुनगुन दूर खड़ी ये सुन रही थी। उसने अप्पू की तरफ देखते हुए कहा, अगर आपका पेट दर्द हो रहा है तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? हम डॉक्टर के पास चलते, अभी भी दर्द हो रहा है? नहीं मॉम, अब तो मुझे जोर की भूख लगी है, मुझे खाना खाना है, अप्पू ने कहा और वो डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। डप्पू उसे देख रही थी। उसने भी सुबह से कुछ नहीं खाया था। अप्पू ने उसे अपने पास बुलाया और बगल वाली कुर्सी पर उसे भी बैठाते हुए कहा,
आंटी जल्दी से खाना ले आओ, भूख लगी है। गुनगुन उन दोनों को देखकर मुस्कुराने लगी और उसने केयर टेकर से कहा, आंटी आप इनकी यूनिफॉर्म चेंज करो पहले, उसके बाद इन्हें खाना खिलाना। नहीं मम्मी, पहले खाना। डप्पू जिद नहीं करते, पहले जाओ यूनिफॉर्म बदलो, फिर हैंड वॉश करके आओ, उसके बाद खाना मिलेगा। गुनगुन की बात सुनकर दोनों दौड़ते हुए अपने कमरे की तरफ चले गए। केयर टेकर भी उनके पीछे पीछे चली गई। तभी गुनगुन का फोन बजा, उसने देखा तो माधुरी का नंबर था। हेलो माधुरी, बताओ। मैम एक बैड न्यूज है, स्माइल कंपनी ने बाहर सेटलमेंट करने के बजाय कोर्ट जाना डिसाइड किया है। उनके हिसाब से उनके पास साहब के खिलाफ पुख्ता सबूत है। ये सुनते ही गुनगुन के चेहरे पर टेंशन की लकीरें पड़ गई। वो तेजी से अपने लिविंग रूम की तरफ गई और अपना लैपटॉप स्टार्ट करते हुए उसने कुछ सोचा और माधुरी से कहा, माधुरी तुम स्माइल की लीगल टीम से कहो कि हमें एक अर्जेंट मीटिंग करनी है, आज शाम से पहले या जितनी जल्दी पॉसिबल हो। ओके मैम, मैं उनसे बात करके आपको बताती हूँ। इसके बाद गुनगुन कुछ देर तक सोचती रही और फिर उसने मिश्रा जी को फोन लगाया। हेलो सर, एक प्रॉब्लम हो गई है, स्माइल कंपनी ने कोर्ट जाने का डिसीजन लिया है। मैं उनसे एक मीटिंग कर रही हूँ आज और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उन्हें मैं बाहर सेटलमेंट करने के लिए मना लूं। ये तो चिंता की बात है गुनगुन, साहब इससे बहुत नाखुश होंगे और हो सकता है वो हमारी फर्म से सारे केसेस वापस ले ले। अगर ऐसा होता है तो हमें भारी, बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। सर मैंने आपको इसीलिए कॉल करा था, आप मुझे एक फेवर कर दीजिए, और कुछ भी हो जाए पर प्लीज आप ये बात साहब को पता मत चलने देना। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आज की मीटिंग के बाद सब चीजें सही हो जाएंगी। ठीक है गुनगुन, मुझे तुम पर भरोसा है, तुम्हें और कोई भी हेल्प लगे तो मुझे जरूर बताना। गुनगुन ने अपना फोन काटा और केस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट खंगालने लग गई। वो इस सब में इतनी व्यस्त हो गई थी कि उसे लंच करने के बारे में कुछ याद भी नहीं रहा। वही साहब अपने कैबिन में अकेले बैठे हुए थे, उनके दिमाग से बच्चों के चेहरे हट नहीं रहे थे। जो खुशी साहब को उनके साथ कुछ मिनट बिताकर हुई थी, वो खुशी उन्हें कई सालों में पहली बार हुई थी। साहब उसे दोबारा महसूस करना चाहते थे। उन्होंने यही सोचते हुए तिवारी जी को कैबिन में बुलाया। तिवारी जी दाखिल हुए और उन्होंने कहा, साहब आपने याद किया। तिवारी जी आज हमारे ऑफिस में जो बच्चे आए थे और वो मेरे कैबिन के बाहर तक आ गए थे। मैं माफी चाहूंगा सर, सिक्योरिटी टीम की मीटिंग बुलाकर मैं अभी सबको समझाता हूँ कि ये सिक्योरिटी लैप्स अब नहीं होना चाहिए, तिवारी जी ने कहा। उन्हें लगा कि साहब के कई बार समझाने के बाद भी लोग उनके कैबिन तक आ रहे हैं, इस बात से उनका गुस्सा होना वाजिब है। लेकिन तभी साहब ने शांत भाव और स्माइल के साथ कहा, तिवारी जी आप बेवजह चिंता कर रहे हैं, मैंने सिक्योरिटी कंसर्न के लिए आपको नहीं बुलाया है। मैं चाहता हूँ कि आप सीक्रेट टीम से ये कहें कि वो उन दोनों बच्चों के नाम और वो कहाँ रहते हैं इस बारे में जानकारी निकाले, और वो भी आज शाम होने से पहले। तिवारी को थोड़ा अजीब लगा, कई सालों बाद उन्होंने साहब के चेहरे पर खुशी देखी थी, उसके बाद उन्हें अनजान बच्चों में इतना इंटरेस्ट क्यों? साहब अगर मुझे इजाजत हो तो क्या मैं पूछ सकता हूँ कि उन बच्चों में ऐसा क्या खास था कि आप उनके बारे में जानकारी चाहते हैं? साहब ने तिवारी जी को एक बार देखा और फिर लंबी सांस के बाद कहा, तिवारी जी आप जानते हैं कि जब मैं 5 साल का था तब पापा गुजर गए थे। मुझे याद नहीं कि पापा कैसे दिखते थे, उनकी धुंधली धुंधली सी शक्ल मुझे याद है, पर वो भी टाइम के साथ खत्म हो गई। लेकिन अगर मुझे कुछ उनके बारे में याद है तो वो है उनके साथ बिताए पल, जो मेरे दिल में आज तक जिंदा है, जिन्हें मैं कई दफा महसूस कर सकता हूँ। और जब आज मैं उन बच्चों से मिला तो मुझे दोबारा पहली बार वो महसूस हुआ जो मुझे पापा की गोद में होता था। साहब से ये बातें सुनकर तिवारी जी को एक पल के लिए यकीन नहीं हुआ, लेकिन उन्हें अच्छे से याद था कि साहब के पिता कैसे थे और उन्हें साहब से कितना प्यार था। ये सब सोचकर तिवारी जी की आंखें भर आईं और उन्होंने अपनी जेब से अपना रुमाल निकालकर खुद को कंट्रोल करा। इतने में साहब उठे और तिवारी जी को गले लगा लिया। बस इसके बाद तो तिवारी जी जोर जोर से रोने लगे और इतना रोए कि साहब की कमीज गीली कर दी। तिवारी जी को रोना इसलिए आया क्योंकि कई सालों बाद उन्होंने साहब को नॉर्मल देखा था, जो बचपन में साहब थे। कुछ देर बाद तिवारी ने आंसू पोंछे और कहा, साहब आज शाम होने से पहले मैं पता करवा लूंगा कि वो बच्चे कौन हैं और कहाँ रहते हैं। इसके बाद तिवारी जी कमरे से बाहर निकल गए और साहब अकेले देर तक फैले समुंदर को देखने लगे। गुनगुन अपने काम में इस तरह व्यस्त थी कि उसे किसी भी चीज का ध्यान नहीं था। वो एक फाइल में खोई हुई थी कि तभी उसका फोन बजा, उसने देखा तो अनजान नंबर था। गुनगुन ने पहले उसे इग्नोर कर दिया, लेकिन जब फोन दोबारा बजा तो गुनगुन ने उठाया। हेलो, मेरी बात गुनगुन माथुर से हो रही है? किसी औरत की आवाज आई। जी हाँ, मैं गुनगुन बात कर रही हूँ,
आप कौन? जी मैं आपके बच्चों के स्कूल से बात कर रही हूँ। आज उनका एक मिनी टेस्ट था लेकिन दोनों बच्चे स्कूल नहीं आए। गुनगुन को एक सेकंड के लिए तो कुछ समझ नहीं आया और उसने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा, मैडम आपको कोई गलत फहमी हो गई होगी, मैंने खुद अपने बच्चों को ड्रॉप किया था। हो सकता है आप किसी और गुनगुन से बात करना चाह रही हूँ। नहीं मैम, मैं आपके बच्चे अप्पू और डप्पू की ही बात कर रही हूँ, वो आज स्कूल से मिसिंग थे। गुनगुन एक सेकंड के लिए ठहर गई। लेकिन मैम मैंने उन्हें स्कूल से ही पिक किया था, तो फिर वो कहीं और कैसे जा सकते हैं? गुनगुन जी ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आप प्लीज उनका ध्यान रखिए और उनसे बात करिए इस बारे में। आपको अगर लगता है तो आप हमसे आकर स्कूल में भी मिल सकती हैं। ठीक है मैम, उन दोनों से बात करती हूँ, थैंक यू फॉर इन्फॉर्मिंग। गुनगुन ने इतना कहकर फोन काट दिया और वो कुछ सोचने लगी। उसे याद आया कि आज उन दोनों ने अपना टिफिन नहीं खाया, इसका मतलब कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है। एक तरफ गुनगुन को अपनी मीटिंग की तैयारी करनी थी, वहीं दूसरी तरफ अब ये परेशानी। गुनगुन अपने लिविंग रूम से बाहर निकली और केयरटेकर से बोलकर उसने दोनों बच्चों को बुलाया। अप्पू और डप्पू अपने कमरे से बाहर आए और उन्होंने जब गुनगुन को गुस्से में देखा तो वो चुपचाप आकर हॉल के सोफे पर बैठ गए। गुनगुन उनके पास जाकर बैठी और उसने उनसे धीमी आवाज में पूछा, तुम दोनों से मम्मी कुछ पूछेगी, प्रॉमिस करो तुम सच बताओगे? ये सुनकर अप्पू डप्पू एक दूसरे की तरफ देखने लगे। गुनगुन ने फिर कहा, एक दूसरे को क्या देख रहे हो, बोलो सच बोलोगे? दोनों बच्चों ने हाँ में सिर हिलाया। इसके बाद गुनगुन ने उनसे पूछा, अच्छा बताओ आज तुम दोनों स्कूल से कहाँ गए थे? इतना सुनते ही डप्पू जोर जोर से रोने लगी। अप्पू उसे चुप कराने लगा कि तभी गुनगुन ने डांटते हुए कहा, डप्पू तुम्हारी कोई नौटंकी नहीं चलने वाली है, जो पूछ रही हूँ उसका सही सही जवाब दो। अप्पू बताओ बेटा कहाँ गए थे? मॉम हम स्कूल के पास लगे एक सर्कस में गए थे जहाँ डप्पू को शेर देखना था, इसलिए हम स्कूल के बजाय सीधा वहाँ गए। गुनगुन को उनकी बात पर भरोसा नहीं हुआ और उसने और सख्ती के साथ पूछा, अच्छा तुम झूठ बोलना सीख गए हो, मुझे पता है वहाँ कोई सर्कस नहीं चलता है। नहीं मॉम भैया सच बोल रहे हैं, हम सर्कस देखने गए थे। गुनगुन ने डप्पू की तरफ देखा जिसने अपनी आंखों के आंसू अभी अभी पोंछे थे। इसके बाद गुनगुन ने केयरटेकर को आवाज लगाई और कहा, आंटी इनकी स्कूल यूनिफॉर्म लेकर आइए, अगर ये सर्कस गए होंगे तो इनके पास टिकट होगी, और अगर टिकट होगी तो इनके पास इतने पैसे कहाँ से आए? इतना कहकर गुनगुन खड़ी हुई और केयरटेकर तब तक यूनिफॉर्म ले आई थी। गुनगुन ने जब अप्पू की पैंट की जेब चेक करी तो उसे उसके अंदर से एक पेपर मिला। उसने जब उसे देखा तो उस पर साहब का फोटो था और उस पर पेन से लिखा हुआ था पापा। गुनगुन थोड़ी देर के लिए शून्य थी। उसने अपने आप को संभाला और बच्चों से पूछा, अप्पू तुम्हें ये कहाँ से मिला? मुझे नहीं पता मॉम, ये मेरी जेब में कैसे आया? गुनगुन ने गुस्से में अप्पू को एक थप्पड़ मारा और फिर घूर कर डप्पू की तरफ देखा। वो डर कर सब सच बताने लगी, मॉम ये पेपर हमको इसी घर में मिला था जब हम घर देखने आए थे, और तब भैया ने इसे फाड़ कर अपने पास रख लिया था। अप्पू की आंखों से आंसू टपक रहे थे और वो नीचे मुंह करके रो रहा था। गुनगुन ने डप्पू से आगे पूछा, और आज तुम दोनों कहाँ गए थे? आज मैं और भैया इनके ऑफिस गए थे इनसे मिलने। गुनगुन के होश उड़ गए थे। उसने आगे पूछा, तो ये तुम्हें मिले? हाँ हमें मिले भी और हमसे बात भी करी, उसके बाद हम वहाँ से भाग आए। गुनगुन ने चिंता में अपना सिर पकड़ लिया और सोफे पर बैठी रही। तभी दोनों बच्चों ने एक साथ कहा, सॉरी मॉम अब से हम आपको परेशान नहीं करेंगे। गुनगुन ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और तभी उसका फोन बजा। माधुरी का कॉल था। हेलो मैम, मैंने 5 बजे की मीटिंग फिक्स कर दी है, लोकेशन कैफे टेरेजा रखी है, आपको घर से पास पड़ेगा। थैंक यू माधुरी, मैं मिलती हूँ तुम्हें मीटिंग में। गुनगुन ने फोन काट के साइड में रखा और फिर दोनों बच्चों की तरफ पलट कर कहा, ये तुम्हारे पापा नहीं है, इसलिए किसी को भी ऐसे परेशान मत करो, वरना मैं तुम दोनों को वापस दिल्ली भेज दूंगी। वी प्रॉमिस मॉम कि अब हम आपको परेशान नहीं करेंगे। कल से तुम दोनों का स्कूल बंद, अब से तुम्हें घर पर ही टीचर पढ़ाने आएगा। गुनगुन ने केयरटेकर की तरफ देखा और कहा, आप इनका ध्यान रखना, कहीं ये घर से बाहर न चले जाए। इसके बाद गुनगुन ने अपना बैग उठाया और मीटिंग के लिए निकल गई। उसे बच्चों की इस हरकत पर यकीन नहीं हो रहा था, और साहब इन बच्चों के बारे में अब क्या सोचेगा, उसे इस बात का भी डर था।
गुनगुन के कदम मीटिंग की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन वो इस बात से बेखबर थी कि साहब के कदम भी उसके बच्चों की तरफ बढ़ रहे थे। गुनगुन स्माइल बिस्कुट कंपनी के साथ मीटिंग के लिए पहुंच चुकी थी। कैफे की टेबल पर दोनों पार्टियां बैठी हुई थी। माधुरी ने अपने पॉइंट्स रखते हुए कहा, मैंने आप सभी को यहाँ इसलिए बुलाया है कि हम इस केस के बारे में एक बार फिर सोचें। गुनगुन अपने डॉक्यूमेंट्स को देख रही थी। गुनगुन ने माधुरी की बात में अपनी बात जोड़ते हुए कहा, इस केस में खास कोई दम नहीं है, आप बेकार अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। गुनगुन की बात सुनकर स्माइल कंपनी का लॉयर मन मन मुस्कुरा रहा था। उसने गुनगुन की तरफ देखते हुए कहा, होंगी आप देश की बहुत बड़ी लॉयर, लेकिन कानून की कुछ किताबें हमने भी पढ़ी है। गुनगुन इस तरह की मीटिंग में बातों के दांव पेच खूब समझती थी। स्माइल कंपनी के लॉयर की बातों से उसे लग रहा था कि उनके हाथ में केस को लेकर कोई बड़ी लीड हाथ लगी है। गुनगुन ने लॉयर की बात के बदले में फिर से एक सवाल किया, आपकी कानून की समझ पर मुझे कोई डाउट नहीं है, लेकिन क्या मैं जान सकती हूँ आप किस बुनियाद पर यह बात कह रहे हैं? स्माइल कंपनी का लॉयर भी गुनगुन से कम नहीं था। यही सही वक्त था जब वो सबूत के बारे में बताकर गुनगुन पर प्रेशर क्रिएट कर सकता था। वो गुनगुन से जो भी कहने जा रहा था उसे सुनने के बाद गुनगुन की मुश्किलें बढ़ सकती थी। स्माइल कंपनी के लॉयर ने गुनगुन की तरफ एक कड़क सा लुक देते हुए कहा, हमारे पास एक वीडियो है जिसमें साहब ने स्माइल कंपनी का नाम लेते हुए कहा है कि हमारी कंपनी के बिस्कुट में मैदा होता है। लॉयर की बात सुनकर गुनगुन सकते में आ गई। ये बात उसके केस को कमजोर कर सकती थी, लेकिन गुनगुन ने अपनी परेशानी को खुद पर हावी नहीं होने दी। उसने खुद को शांत किया और मुस्कुराते हुए लॉयर की तरफ देखा। उसने बहुत शांति के साथ लॉयर की बात का जवाब देते हुए कहा, आजकल फेक वीडियो बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। सर, ये बात आप भी अच्छे से जानते हैं, आपको भटकाने के लिए किसी ने नकली वीडियो भेजा है। गुनगुन की बात सुनकर लॉयर भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया। उसने बात को संभालते हुए कहा, वो तो हम देख लेंगे, और वैसे भी आप साहब की चिंता कीजिए, ये वीडियो कोर्ट में जाने के बाद हमारा केस जीतना तो तय है। लॉयर की बात में दम था, ये बात गुनगुन जानती थी, लेकिन गुनगुन को अपना दांव तो चलाना ही था। वो इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती थी। उसने अंधेरे में एक तीर छोड़ते हुए कहा, आप देख लीजिए, अगर ये वीडियो झूठा निकला तो आपको साहब की कंपनी को दुगने पैसे देने पड़ेंगे। हो सकता है कि आपकी कंपनी के बिस्कुट की जांच भी हो। एक गलत कदम और आप चारों तरफ से घिर सकते हैं। इतना कहकर गुनगुन वहां से अपने घर के लिए निकल चुकी थी। गुनगुन ने अपनी चाल तो चल दी थी, अब चाल सीधी पड़ेगी या उल्टी ये तो अभी गुनगुन भी नहीं जानती थी। गुनगुन अकेली नहीं थी जो चाले चल रही थी। अप्पू और डप्पू का सच जानने के लिए एक चाल साहब भी चल चुके थे। साहब के मन में अप्पू और डप्पू घर कर चुके थे। जब भी साहब आंखें बंद करते उनके सामने उन दोनों का चेहरा नजर आ जाता। साहब ये जानने के लिए बेकरार थे कि अप्पू और डप्पू की माँ कौन है। न जाने क्यों उसका दिल उसे बार बार कह रहा था कि उन दोनों से उसका कोई रिश्ता है, पर ना साहब के दिल में जगह बना पाना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल है। साहब ने अपना फोन उठाया और तिवारी जी को फोन मिलाया। उस वक्त तिवारी जी खुद सीक्रेट टीम के साथ बच्चों के बारे में पता करने के लिए निकले थे। तिवारी जी के फोन की घंटी बजी और उन्होंने फोन उठाया। हेलो तिवारी जी, बच्चों के बारे में कुछ पता चला? अपनी टीम के साथ बच्चों का पीछा करते करते तिवारी जी गुनगुन के नए घर पहुंच चुके थे। जिस वक्त गुनगुन मीटिंग के लिए निकल रही थी, बच्चे उसे खिड़की से जाते हुए देख रहे थे। तिवारी को ये समझने में जरा देर नहीं लगी कि ये गुनगुन के बच्चे हैं। तिवारी जी ने साहब की बात का जवाब देते हुए कहा, साहब मैं ऑफिस आकर आपको सब बताता हूँ, मुझे बस आधे घंटे का टाइम दीजिए। तिवारी जी के फोन रखने के बाद जैसे वक्त ठहर गया। ये आधा घंटा भी साहब के लिए बहुत भारी हो गया था। साहब की बेचैनी बढ़ती जा रही थी और वो बेचैनी में कमरे के चक्कर लगा रहा था। उसने घड़ी का कांटा देखा, इस वक्त रात के 9:30 बज चुके थे। ऑफिस का सारा स्टाफ जा चुका था, साहब अकेले ही अपने कैबिन में बैठा था। थोड़ी ही देर में तिवारी जी साहब के कैबिन में दाखिल हुए। तिवारी जी को देखते ही साहब ने अधीरता से कहा, कितनी देर लगा दी आपने, कब से आपके आने का इंतजार कर रहा था। तिवारी जी ने साहब की ओर देखा और थोड़ा कैजुअल तरीके से कहा, अरे 5 मिनट की ही तो देर हुई है साहब। साहब अब और इंतजार नहीं कर सकता था, लेकिन तिवारी जी उसे जो खबर देने वाले थे उसे सुनने के बाद साहब के चेहरे का रंग उड़ने वाला था। साहब टकटकी लगाए तिवारी जी के चेहरे की तरफ देख रहा था। साहब का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तिवारी जी ने साहब की तरफ देखते हुए कहा,
वो दोनों बच्चे गुनगुन के साथ रहते हैं। तिवारी जी की बात सुनकर साहब के मन में एक उम्मीद जागी। उसे लगने लगा अप्पू और डप्पू उसके ही बच्चे हैं। उसने तिवारी जी को देखते हुए कहा, वो दोनों बच्चे गुनगुन के साथ रहते हैं, इसका मतलब वो मेरे ही बच्चे हैं। तिवारी जी दिल से चाहते थे कि ये बात सच निकले। गुनगुन के जाने के बाद एक तिवारी जी ही थे जो साहब के मन के अकेलेपन को समझ सकते थे। गुनगुन और साहब के फिर से एक हो जाने से कंपनी को भी बहुत फायदा होता। गुनगुन और साहब कंपनी को आसमान की ऊंचाई तक पहुंचाने का टैलेंट रखते हैं। तिवारी जी अभी पूरे यकीन से नहीं कह सकते थे कि अप्पू और डप्पू साहब के ही बच्चे हैं। उन्होंने साहब की बात का जवाब देते हुए कहा, इस बात का सही जवाब मैं नहीं दे सकता। तुम्हारे सवाल का जवाब इस दुनिया में केवल एक ही व्यक्ति दे सकता है। इतना कहकर तिवारी जी वहां से चले गए। तिवारी जी के चले जाने के बाद साहब सोच रहा था कि वो सच तक कैसे पहुंचे। साहब के सवालों के जवाब सिर्फ गुनगुन ही दे सकती थी। उसने तिवारी जी को फोन किया और कहा, हेलो तिवारी जी, आप मुझे गुनगुन के घर का एड्रेस व्हाट्सएप कीजिए, मैं गुनगुन के घर जाकर खुद इस बात का पता लगाऊंगा। साहब के फोन रखते ही तिवारी जी ने गुनगुन के घर का एड्रेस साहब को भेज दिया। एंटर करने से पहले तिवारी जी ने ड्राइवर को गाड़ी तैयार रखने को कहा। साहब जब गाड़ी तक पहुंचे, ड्राइवर गाड़ी के साथ तैयार खड़ा था। साहब ने ड्राइवर से चाबी लेते हुए कहा, आज गाड़ी मैं खुद चलाऊंगा, तुम पीछे बैठो। साहब ने अपनी गाड़ी उठाई और सवाल के जवाब की तलाश में निकल पड़े। साहब की गाड़ी की रफ्तार बहुत तेज थी, लेकिन गाड़ी की रफ्तार से भी तेज उसका दिल धड़क रहा था। गाड़ी जैसे जैसे अपनी मंजिल के करीब पहुंच रही थी, उसकी रफ्तार धीमी पड़ती जा रही थी। आज साहब की मंजिल गुनगुन का घर था। साहब की चमचमाती लग्जरी कार गुनगुन के घर के पास पहुंच चुकी थी। लोग बड़ी हसरत भरी निगाहों से साहब की गाड़ी को देख रहे थे। इतनी महंगी और चमचमाती कार को वहां के लोगों ने पहले कभी नहीं देखा था। साहब ने अपनी गाड़ी को गुनगुन के घर के सामने पार्क किया। तभी वहां से कुछ लड़कियां तैयार होकर आई और उन्होंने साहब से रिक्वेस्ट करते हुए पूछा, क्या हम आपकी कार के साथ एक सेल्फी ले सकते हैं? साहब की आंखें गुस्से से लाल थी। उसने अपनी बड़ी बड़ी लाल आंखों से उन लड़कियों की तरफ देखा। सारी लड़कियां गाड़ी से दूर हो गई। आज से पहले उन्होंने इस तरह का गुस्सा किसी की आंखों में नहीं देखा था। साहब बिना कुछ कहे ही वहां से चला गया। एक सैलाब की तरह साहब गुनगुन के घर की तरफ बढ़ रहा था। वो सीढ़ियों से चढ़ा और उसने दरवाजे की घंटी बजाई। गुनगुन केस के बारे में इतनी उलझी थी कि उसने दरवाजे की घंटी को सुना ही नहीं। जब गुनगुन ने दरवाजा नहीं खोला, तब साहब का गुस्सा और बढ़ गया था। वो लगातार घंटी बजाए जा रहा था। गुनगुन को लगा प्रगति होगी। गुनगुन को परेशान करने के लिए प्रगति अक्सर ऐसा करती थी। उसने अंदर से ही चिल्लाते हुए कहा, आ रही हूँ प्रगति, दो मिनट तो सब्र कर लो। इतना कहकर जैसे ही गुनगुन ने अपने घर का दरवाजा खोला, उसकी आंखों की पुतलियां फैल गईं। उसके सामने साहब खड़ा था। गुस्से से उसकी आंखें एकदम लाल थी। वो सीधे ही कमरे में एंटर हुआ। गुनगुन ने साहब का गुस्से वाला रूप पहले भी देखा है, लेकिन आज उसकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि पागलपन था। गुनगुन दहशत में आ गई। कमरे के एसी का टेम्परेचर 20 पर था, फिर भी गुनगुन को पसीना आ रहा था। साहब धीरे धीरे उसके करीब आ रहा था। गुनगुन अपने कदम धीरे धीरे पीछे की ओर ले रही थी। साहब उसके बहुत करीब आ चुका था। साहब अभी उसे कुछ कहने ही वाला था कि डप्पू कमरे से बाहर आई। उसके हाथ में उसकी फेवरेट डॉल थी। डप्पू ने आंखें मलते हुए कहा, माँ कहानी सुनाओ, मुझे नींद नहीं आ रही है। डप्पू के पीछे पीछे अप्पू भी कमरे से बाहर आ गया। अप्पू और डप्पू साहब की तरफ देख रहे थे। अप्पू और डप्पू को देखकर साहब ने अपने गुस्से को कंट्रोल किया। डप्पू साहब को देखकर खुश हो गई और साहब के पैरों से लिपट गई। साहब ने डप्पू को अपनी गोद में उठा लिया। डप्पू ने बड़े प्यार से साहब से सवाल पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? साहब ने डप्पू के गालों को छुआ और कहा, तुम लोगों से मिलने का दिल कर रहा था, इसलिए चला आया। अप्पू को साहब को देखकर उतनी खुशी महसूस नहीं हो रही थी। वो गुनगुन के चेहरे की तरफ देख रहा था। वो काफी डरी हुई दिख रही थी। अप्पू ने साहब से सवाल किया, आपको हमारे घर का पता कैसे चला? साहब ने अप्पू की ओर देखते हुए कहा, वैसे ही जैसे आप लोगों को मेरे ऑफिस का पता चला था। साहब को लगा बच्चों के सामने गुनगुन से बात करना ठीक नहीं होगा। उसने अपने ड्राइवर को फोन मिलाया और घर के अंदर बुलाया। ड्राइवर जब घर के अंदर आया, साहब ने उसे कहा, जाओ बच्चों को बाहर घुमाने ले जाओ और इन्हें जो कुछ भी चाहिए हो दिला देना। अप्पू और डप्पू ने एक साथ साहब की बात का जवाब देते हुए कहा,
हम मम्मी के साथ जाएंगे। साहब ने दोनों की तरफ देखा और कहा, आप जाओ, मुझे आपकी मम्मी से कुछ जरूरी बातें करनी है। ये अंकल आपका बहुत ख्याल रखेंगे। गुनगुन जानती थी कि साहब अपने सवालों का जवाब लिए बगैर यहाँ से जाने वाला नहीं है। आज अगर गुनगुन ने उसके सवालों का जवाब नहीं दिया तो साहब कल फिर आएगा। गुनगुन ने अपने बच्चों की तरफ देखते हुए कहा, आप लोग अंकल के साथ जाओ, मम्मी कल तुम्हारे साथ आइसक्रीम खाने चलेगी। ड्राइवर ने बच्चों का हाथ पकड़ा और अपने साथ उन्हें ले गया। जाते वक्त अप्पू ने मुड़कर एक बार अपनी माँ को देखा। गुनगुन ने हाथ हिलाते हुए उसे इशारे से बाय बाय कहा। गुनगुन मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। बच्चों के जाते ही साहब ने कसकर गुनगुन का हाथ पकड़ा और उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा, ये किसके बच्चे हैं? गुनगुन ने पूरी ताकत से साहब से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझती। साहब ने गुनगुन का हाथ छोड़ दिया लेकिन खुद जाकर सोफे पर बैठ गया। गुनगुन, तुम्हें जवाब देना पड़ेगा क्योंकि मैं कह रहा हूँ। गुनगुन ने तय किया इस बार वो साहब से नहीं डरेगी। उसने भी अपनी आवाज तेज करते हुए कहा, कौन साहब? तुम्हारा और मेरा रिश्ता 5 साल पहले खत्म हो चुका है। तुम्हारा मेरी जिंदगी पर कोई हक नहीं बनता। साहब का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसने गुनगुन की कलाई को जोर से पकड़ा और गुनगुन को अपनी तरफ खींचा। तो फिर किसका हक है? जिसके ये बच्चे हैं? किसके बच्चे हैं ये? मेरे जाने के बाद तुम किसके साथ थी? गुनगुन किसी भी कीमत पर साहब को सच नहीं बता सकती थी। उसने साहब की बात का कोई जवाब नहीं दिया। गुनगुन के दिमाग में कश्मकश जारी थी। उसने गुनगुन की तरफ देखते हुए फिर से पूछा, किसके बच्चे हैं ये? मेरे, मिश्रा जी के, या फिर उस मेहुल के? साहब ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, मेहुल के बच्चे हैं ना ये दोनों? 5 साल पहले उसी के साथ भागी थी ना तुम? गुनगुन ने साहब से अपना हाथ छुड़ाया और जोर से कहा, हाँ, ये मेहुल और मेरे बच्चे हैं। इन पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। जैसे आए थे वैसे ही चले जाओ। ये बात सुनते ही साहब ने अचानक गुनगुन का हाथ छोड़ दिया। उसे अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसके कदम दरवाजे की ओर बढ़ते जा रहे थे। वो दरवाजे से बाहर जा रहा था तभी प्रगति भी कमरे में आ चुकी थी। प्रगति ने देखा गुनगुन कमरे में बैठी सुबक सुबक कर रो रही थी। प्रगति ने उसको गले से लगा लिया। गुनगुन की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। ड्राइवर भी गाड़ी लेकर आ चुका था। डप्पू के हाथ में बहुत सारे गुब्बारे थे। डप्पू ने साहब की ओर देखा और कहा, थैंक यू, आज बहुत मजा आया। साहब ने डप्पू की बात का जवाब नहीं दिया और चुपचाप गाड़ी में बैठकर अपने घर की तरफ चल दिया। अप्पू और डप्पू अपनी माँ को रोते हुए देख रहे थे। साहब अपनी कार की ओर बढ़ रहा था। उसकी आंखों में एक पागलपन था। आज वो हर चीज को मिटा देना चाहता था। उसे लग रहा था कि उसने गुनगुन को हमेशा के लिए खो दिया है। साहब अपनी गाड़ी की तरफ आगे बढ़ा। कुछ लड़कियां अभी भी उसकी गाड़ी के सामने सेल्फी ले रही थी। साहब ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उनकी तरफ देखा और गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, हट जाओ वहां से और आगे से मेरी गाड़ी के सामने आने की जुर्रत मत करना। ड्राइवर समझ चुका था कि साहब का गुस्सा परवान चढ़ चुका है। उसने बिना कुछ कहे गाड़ी को स्टार्ट किया और गाड़ी को साहब के घर की तरफ घुमा दिया। साहब ने ड्राइवर से कहा, गाड़ी को जुहू बीच की तरफ ले चलो। ड्राइवर ने घड़ी में टाइम देखा। इस वक्त रात के 12 बजने वाले थे। लेकिन ड्राइवर की हिम्मत नहीं हुई कि वो साहब से कोई भी सवाल कर सके। ड्राइवर ने गाड़ी को जुहू बीच की तरफ घुमा दिया। साहब जुहू बीच पर बैठे बैठे चांद को देख रहा था। चांद में भी उसे गुनगुन का मासूम चेहरा नजर आ रहा था। उसने ड्राइवर को भेजकर 2-3 बियर की बोतल मंगवाई। साहब समंदर की लहरों पर उछलते हुए चांद को देख रहा था। उसे वो दिन याद आ गया जब उसके सो जाने के बाद रात को 12 बजे वो गुनगुन के साथ जुहू बीच पर आया था। समंदर की लहरों के साथ गुनगुन उस दिन बेखौफ नाच रही थी। गुनगुन उस दिन किसी छोटी बच्ची की तरह लहरों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। साहब बियर पीते हुए गुनगुन को याद कर रहा था। गुनगुन अपना हाथ बढ़ाकर उसे बुला रही थी लेकिन अचानक उन दोनों के बीच मेहुल आ गया। गुस्से में आकर साहब ने बियर की खाली बोतल एक पत्थर पर दे मारी और बोतल बिखर कर चूर चूर हो गई। समंदर की तरफ देखकर साहब जोर से चिल्लाया, तुमने ऐसा क्यों किया गुनगुन? साहब की आवाज लहरों के शोर में कहीं खो गई। गुनगुन की याद में साहब की आंखें नम हो चली। एक के बाद एक बियर की 4 बोतल खत्म करने के बाद साहब अब होश होने लगा था। ड्राइवर ने आकर उन्हें संभाला।
साहब शराब के नशे में गुनगुन का नाम लिए जा रहा था। ड्राइवर ने जैसे तैसे करके साहब को गाड़ी में डाला और गाड़ी को घर की तरफ घुमा दिया। साहब की जुबान पर बस एक ही बात आ रही थी, गुनगुन कहाँ हो तुम, प्लीज वापस आ जाओ। घर पहुंचकर ड्राइवर ने गाड़ी को घर के सामने खड़ा कर दिया और साहब को गाड़ी से निकाला। ड्राइवर ने साहब को उनके बेडरूम में बेड पर लिटा दिया। रात बहुत हो चुकी थी इसलिए ड्राइवर सर्वेंट क्वार्टर में ही सो गया। उधर गुनगुन भी अपने बेड पर लेटी हुई थी लेकिन नींद उससे कोसो दूर थी। साहब आज उसके घर में किसी सैलाब की तरह आया था और उसके मन में एक उथल पुथल मचाकर चला गया। गुनगुन को नींद नहीं आ रही थी, वो अपने बेड से उठी और खिड़की पर बैठ गई। खिड़की से ठंडी ठंडी हवा अंदर आ रही थी। खिड़की के बाहर चौदहवीं का चांद चमक रहा था। चांद की झीनी झीनी रोशनी कमरे के अंदर आ रही थी। उसे याद आया साहब को ये रोशनी कितनी पसंद है, वो कई कई घंटों तक इस चांद को निहारते रहता था। गुनगुन जब भी इस चांद को देखती है न चाहते हुए भी साहब उसे याद आ जाता है। न जाने कितनी रातें उसने इस चांद को देखकर साहब की याद में गुजारी है। चांद को देखते देखते जब गुनगुन को चांद में साहब का चेहरा दिखाई देने लगा जो धीरे धीरे अप्पू और डप्पू की ओर बढ़ रहा था, गुनगुन इस ख्याल से भी डर गई थी। गुनगुन अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है और आज की तारीख में उसके बच्चे ही उसके जीने की असली वजह है। गुनगुन जानती है कि आज तो उसने झूठ बोलकर साहब को बच्चों से दूर कर दिया लेकिन वो इस सच को ज्यादा दिनों तक नहीं छिपा पाएगी। गुनगुन ने खुद से कहा, मुझे अपने बच्चों के लिए कोई ना कोई कदम उठाना ही पड़ेगा। सोचते सोचते रात बीत चुकी थी। आसमान में सफेद चांद की रोशनी की जगह अब सूरज के सिंदूरी उजाले ने ले ली थी। गुनगुन बदलते हुए वक्त की दस्तक को महसूस कर पा रही थी। थोड़ी ही देर में गुनगुन का कमरा सूरज की तेज धूप से भर गया। गुनगुन ने घड़ी में टाइम देखा तो सुबह के 7 बज चुके थे। गुनगुन किचन में गई और सबके लिए ब्रेकफास्ट की तैयारी करने लगी। तब तक प्रगति भी उठ चुकी थी। वो अब अपना जितना भी समय होता था गुनगुन और बच्चों के साथ यहाँ इस घर में बिताती थी। वो किचन में एंटर हुई और उसने गुनगुन की तरफ देखा। गुनगुन की आंखें एकदम लाल और सूजी हुई थी। उसे देखकर कोई भी कह सकता था कि गुनगुन रात भर सोई नहीं है। प्रगति ने गुनगुन की तरफ देखा और कहा, क्या हुआ गुनगुन, तुम्हारी तबीयत ठीक है? लगता है तुम रात भर नहीं सोई हो। गुनगुन सच में रात भर नहीं सोई थी। अप्पू और डप्पू की चिंता में उसे रात भर नींद नहीं आई। उसका सिर दर्द के मारे फटा जा रहा था। उसने प्रगति की बात का जवाब देते हुए कहा, कुछ नहीं, बस जरा सा सिर में दर्द है। प्रगति ने गुनगुन के हाथ से चाकू छीना और उसे इंस्ट्रक्शंस देते हुए कहा, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं अभी तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आती हूँ। आज तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, आज नाश्ता मैं बनाऊंगी। गुनगुन प्रगति की बात को टालते हुए टोस्टर में ब्रेड रखने लगी। प्रगति ने उसकी तरफ गुस्से से देखा। गुनगुन ने प्रगति की तरफ देखते हुए कहा, मुझे नींद नहीं आने वाली, ये तुम भी जानती हो, थोड़ा काम करूंगी तो मन लगा रहेगा। प्रगति ने गुनगुन को डांटते हुए कहा, कोई बहाना नहीं चलेगा, तुम चुपचाप अपने कमरे में जाओ, मैं तुम्हारी कॉफी और ब्रेकफास्ट लेकर आती हूँ। गुनगुन प्रगति की बात नहीं टाल सकी, वो सीधे अपने कमरे में चली गई। गुनगुन अपने बेड पर लेटी थी और सोने की कोशिश कर रही थी। गुनगुन का मन बहुत बेचैन था और उसे नींद नहीं आ रही थी। थोड़ी ही देर में प्रगति कॉफी और ब्रेकफास्ट के साथ कमरे में दाखिल हुई। उसने कॉफी का मग गुनगुन की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो तुम्हारी गर्मा गर्म कॉफी, और अब मुझे बताओ क्या बात है, क्यों इतनी परेशान हो? गुनगुन ने कॉफी का एक सिप लिया। थोड़ी कॉफी पीने के बाद गुनगुन के सिर का दर्द कुछ कम हुआ। उसने प्रगति की बात का जवाब देते हुए कहा, मैं अप्पू और डप्पू को लेकर परेशान हूँ, कहीं कोई उन्हें मुझसे छीन ना ले। प्रगति ने कल की बात को छेड़ते हुए कहा, हाँ मैंने देखा था कल साहब यहाँ आए थे और उसके जाने के बाद तुम बहुत डर गई थी। गुनगुन कल की बात को याद करके एक बार फिर सहम सी गई। उसने कांपते हुए प्रगति की बात का जवाब दिया, हाँ कल साहब यहाँ आए थे, वो बच्चों के बारे में पूछ रहा था। सच कहूं प्रगति, कल साहब के उस रूप को देखकर मैं बहुत डर गई थी। प्रगति आगे की बात जानने के लिए उत्सुक थी। उसने उत्सुकता के साथ पूछा, क्या तुमने साहब को अप्पू और डप्पू के बारे में बता दिया? हालांकि प्रगति जानती थी कि गुनगुन इस राज को साहब से जाहिर नहीं होने देंगी, पर साहब के डर के आगे अच्छे अच्छे अपनी जबान खोल देते हैं।
गुनगुन ने प्रगति की बात का जवाब देते हुए कहा। कल मैंने झूठ बोलकर सच को बाहर आने से रोक दिया था। प्रगति ने गुनगुन की तरफ देखकर कहा, झूठ? कैसा झूठ गुनगुन? गुनगुन ने कल गुस्से और डर में जो बात साहब को कही थी वो दिन के उजाले और पूरे होशो हवास में उसके मुंह से नहीं निकल रही थी। उसने अपनी पूरी हिम्मत को जोड़ते हुए कहा, कल मैंने साहब से झूठ कह दिया। मैंने कहा अप्पू और डप्पू दोनों साहब के बच्चे नहीं हैं। गुनगुन ने अपनी नजरें झुका ली और बात को जारी रखते हुए कहा, मैंने कह दिया अप्पू और डप्पू मेरे और मेहुल के बच्चे हैं। गुनगुन की बात सुनकर प्रगति सकते में आ गई। प्रगति को समझ नहीं आ रहा था कि गुनगुन ने क्यों अपने सिर पर यह बदनामी ली। उसने गुनगुन की तरफ देखा और उसके कंधों को पकड़ते हुए कहा, तुमने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? क्यों खुद को बिन मतलब बदनाम किया? गुनगुन को उस वक्त इस झूठ के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं नजर आ रहा था। गुनगुन ने प्रगति से कहा, उस वक्त मुझे डर के मारे कोई और रास्ता नजर नहीं आया। मैं साहब की परछाई से भी अपने बच्चों को दूर रखना चाहती हूँ। प्रगति और गुनगुन के सामने साहब नाम की विपदा खड़ी थी जिससे उन्हें अपने बच्चों को बचाना था। जल्द ही उन्हें कोई ना कोई कदम उठाना होगा ताकि अप्पू और डप्पू को साहब से दूर रखा जा सके। प्रगति ने गुनगुन से पूछा, तुमने कुछ सोचा है कि अब क्या करोगी? गुनगुन ने साहब को अपने बच्चों से दूर रखने के लिए रास्ता सोच लिया था। उसने प्रगति की तरफ देखते हुए कहा, एक रास्ता है जिससे हम अप्पू और डप्पू को साहब से दूर रख सकते हैं। प्रगति गुनगुन के मन में क्या चल रहा है ये जानना चाहती थी। उसने गुनगुन की तरफ देखते हुए पूछा, कौन सा रास्ता गुनगुन? गुनगुन को पूरा यकीन था कि उसने जो रास्ता सोचा है वो जरूर काम करेगा। उसने प्रगति का हाथ पकड़ते हुए कहा, प्रगति इसमें तुम्हारी हेल्प चाहिए। अगर तुम बच्चों को वापस दिल्ली ले जाओ तो मैं भी जल्दी ही दिल्ली वापस आ जाऊंगी और उसके बाद मैं ये घर बेचकर अप्पू और डप्पू के साथ देश के बाहर शिफ्ट हो जाऊंगी। प्रगति भी अब कुछ कुछ साहब के नेचर को समझने लगी थी। उसे पता था साहब से छुटकारा पाना इतना भी आसान नहीं होगा। उसने गुनगुन की तरफ देखकर कहा, गुनगुन इस बात की क्या गारंटी है कि साहब वहां नहीं पहुंच पाएंगे? तुम्हें साहब से पहले अपने डर से लड़ना होगा। गुनगुन कुछ कह पाती उससे पहले अप्पू और डप्पू गुनगुन के कमरे में दाखिल हुए। दोनों बेड पर चढ़ गए और उन्होंने गुनगुन के गले में अपनी बाहें डालते हुए कहा, गुड मॉर्निंग मम्मी। गुनगुन ने दोनों के गालों पर किस किया और कहा, गुड मॉर्निंग अप्पू डप्पू। डप्पू ने गुनगुन के गालों पर हाथ रखते हुए कहा, सॉरी मम्मी, अब हम साहब अंकल से कभी नहीं मिलेंगे। प्रगति ने घड़ी की ओर देखा। अप्पू और डप्पू के प्ले स्कूल जाने का टाइम निकल चुका था और बच्चे घर में ही थे। प्रगति ने गुनगुन से सवाल किया, आज बच्चे स्कूल नहीं गए? गुनगुन प्रगति से नजरें चुरा रही थी। वो जानती थी सच जानकर प्रगति को अच्छा नहीं लगेगा। प्रगति ने गुनगुन की तरफ घूर कर देखा। गुनगुन ने नजरें झुकाते हुए कहा, वो बच्चों का स्कूल से एडमिशन कैंसिल करवा रही हूँ, अब दोनों होम ट्यूशन में पढ़ेंगे। प्रगति की नजर में बच्चों को स्कूल से निकालना किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं हो सकता। उसने गुनगुन से कहा, बच्चों को स्कूल भेजना जरूरी है, इस एज में उनका अपनी एज के बच्चों से मिलना बहुत जरूरी है, नहीं तो आगे चलकर बच्चे दूसरे बच्चों से बात करने से कतराएंगे। प्रगति ने गुनगुन का फोन उठाया और उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, साहब को फोन लगाओ और उन्हें साफ साफ बच्चों से दूर रहने के लिए कह दो। गुनगुन ने प्रगति के हाथों से फोन लिया और साहब का नंबर डायल किया। गुनगुन साहब से बात करने के लिए अपनी पूरी हिम्मत बांध रही थी। साहब के फोन की घंटी बज रही थी। साहब के सर से अभी कल की बियर का नशा उतरा नहीं था। उसने आंखें भी पूरी तरह से नहीं खोली थी। आधी नींद में उसने फोन उठाया और हेलो कहा। उधर से गुनगुन ने आवाज में कॉन्फिडेंस के साथ कहा, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। कल की बात से साहब अभी तक नाराज था। वो गुनगुन के साथ किसी और का नाम बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने गुस्से से गुनगुन की बात का जवाब देते हुए कहा, अब क्या बाकी रह गया है कहने को? कल जो कहा वो काफी नहीं था? गुनगुन ने अपने डर पर काबू पाने की कोशिश की और बहुत ही कड़क आवाज में साहब की बात का जवाब देते हुए कहा, आप कल जिस तरह मेरे घर आए थे वो दोबारा नहीं होना चाहिए। गुनगुन की इस हिमाकत से साहब गुस्से से तमतमा उठा। उसने अपने शरीर से कंबल को हटाया और गुनगुन पर चिल्लाते हुए कहा, अगर मैं दोबारा आया तो क्या कर लोगी तुम? गुनगुन अपने डर पर काबू पा चुकी थी। गुनगुन एक काबिल वकील भी थी। उसे पता था इस समय उसे क्या कहना है। उसने एक वकील की तरह कहा, फिर मुझे मजबूरन आप पर हैरेसमेंट का केस करना पड़ेगा। साहब गुनगुन की बात सुनकर हैरत में पड़ गया।
गुनगुन के मुंह से कभी साहब के सामने एक शब्द भी नहीं निकलता था और आज गुनगुन उससे इतने ऊंचे स्वर में बात कर रही है, इस पर से हैरेसमेंट के केस की धमकी भी दे रही है। साहब ने गुनगुन की बात का जवाब देते हुए कहा, अपने पति पर हैरेसमेंट का केस करोगी और उस मेहुल के साथ गुलछर्रे उड़ाओगी। साहब की बात सुनकर गुनगुन के तन बदन को आग सी लग गई। अपने लिए इतनी ओछी बात सुनकर ही गुनगुन को शर्म आ रही थी। वो सोच रही थी साहब ने कितनी आसानी से इतनी ओछी बात कह दी। गुनगुन को भी अब साहब पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने साहब की बात का जवाब देते हुए कहा, मैं आपकी बीवी थी और मैंने इस रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभाया था। मुझे कुछ भी कहने से पहले आप अपने आप को देख ले। आप वही है ना जिसने अपनी ही बीवी की बहन के साथ नाजायज संबंध रखे थे। इतना कहकर गुनगुन ने फोन काट दिया। फोन काटने के बाद गुनगुन हल्का महसूस कर रही थी। दूसरी ओर गुनगुन के जवाब ने साहब के ईगो को चोट पहुंचाई थी। साहब अपनी बात कह पाता उससे पहले ही गुनगुन ने फोन काट दिया। साहब से बात करने के बाद भी गुनगुन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था ठंड की अंधेरी रात में वो सुनसान रास्ते पर चली जा रही है। उस रास्ते पर धुंध और कोहरा बहुत है। गुनगुन धुंध के उस पार देखने की कोशिश कर रही थी लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। गुनगुन इस धुंध के हटने का इंतजार नहीं कर सकती थी। क्या पता इस धुंध के उस पार साहब हो। एक सच गुनगुन बहुत अच्छे से जानती थी कि वो कितनी ही कोशिश कर ले लेकिन साहब के सामने कमजोर पड़ जाएगी, जैसे एक छोटी सी चिड़िया कमजोर पड़ जाती है शिकारी के सामने। गुनगुन इन्हीं ख्यालों में डूबी हुई थी। उसने खुद से कहा, एक माँ अपने बच्चों के लिए कमजोर नहीं पड़ सकती। मुझे इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सलूशन निकालना ही होगा। प्रगति से बात करने के बाद गुनगुन ने बच्चों का नाम नहीं कटवाया था और बच्चे स्कूल जा चुके थे और प्रगति अपने किसी फ्रेंड से मिलने गई थी। इस वक्त अगर गुनगुन किसी से मदद की गुहार लगा सकती है तो वो है मिश्रा जी। गुनगुन ने मिश्रा जी को फोन किया और एक दबी हुई आवाज में कहा, मिश्रा जी मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, क्या मैं अभी ऑफिस आ सकती हूँ। गुनगुन की आवाज में उदासी और डर को मिश्रा जी ने भांप लिया था। उन्होंने थोड़े नर्म लहजे में कहा, क्या बात है गुनगुन, तुम थोड़ी परेशान दिख रही हो, सब ठीक है ना। गुनगुन मिश्रा जी के सामने थोड़ा सहज बनने की कोशिश कर रही थी। उसने अपनी आवाज को नॉर्मल करते हुए कहा, सब ठीक है लेकिन कुछ जरूरी बात है, आपसे मिलकर ही बात करना ठीक रहेगा। मिश्रा जी ने गुनगुन से कहा, ठीक है गुनगुन तुम आ जाओ, अभी मेरे पास टाइम भी है, वो साहब की कंपनी वाला केस भी डिस्कस कर लेंगे। गुनगुन ने मिश्रा जी का जवाब देते हुए कहा, ठीक है मिश्रा जी मैं थोड़ी देर में आपसे मिलती हूँ। फोन रखने के बाद गुनगुन तैयार होने चली गई। वैसे गुनगुन को तैयार होने का बहुत शौक नहीं है और ना ही वो रोज मेकअप करती है, लेकिन रोज वो कुछ छोटी छोटी पर्ल ज्वेलरी पहन लेती थी। काजल की एक हल्की सी लाइन लगा लिया करती थी। काजल लगाने के बाद उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें और भी सुंदर लगने लगती। लेकिन आज गुनगुन का मन बहुत खराब था। ना तो उसने कोई ज्वेलरी पहनी और ना ही आंखों में काजल लगाया। तैयार होकर गुनगुन ने अपने घर को लॉक किया और ड्राइवर को फोन लगाकर कहा, भैया गाड़ी ले आइए, ऑफिस चलना है। ड्राइवर गुनगुन को देख रहा था, उसका चेहरा एकदम बुझा हुआ था। गुनगुन रोज गाड़ी में बैठने से पहले ड्राइवर की तरफ मुस्कुराकर उसकी फैमिली का हालचाल पूछती थी, लेकिन आज गुनगुन बिना कुछ कहे सीधे गाड़ी में बैठ गई। ड्राइवर ने गाड़ी की रफ्तार थोड़ी धीमी रखी थी। गुनगुन ने उसे थोड़ा तेज चलाने को कहा। ड्राइवर भी अचरज में पड़ गया। गुनगुन रोज उसे तेज गाड़ी चलाने के लिए मना करती थी और आज वही उसे तेज गाड़ी चलाने के लिए कह रही है। ड्राइवर समझ रहा था कि गुनगुन आज थोड़ा परेशान है। गुनगुन के ऑफिस के रास्ते में एक देवी जी का मंदिर पड़ता है। ड्राइवर ने मंदिर के सामने गाड़ी रोकी और कहा, मैडम 2 मिनट के लिए इस मंदिर में चले, कहते हैं कि यहाँ जो भी मांगो वो मिल जाता है। गुनगुन के साथ जो भी हुआ था और जो कुछ भी चल रहा था उसे देखने के बाद उसका भगवान पर से भरोसा ही उड़ गया था। उसने ड्राइवर से कहा, नहीं भैया पहले ही बहुत देर हो गई है, आप सीधा ऑफिस चलिए। ड्राइवर ने गाड़ी ऑफिस की तरफ मोड़ दी और कुछ ही देर बाद गुनगुन की गाड़ी मिश्रा जी के ऑफिस पहुंच चुकी थी। मिश्रा जी कैबिन में कुछ केस की फाइल देख रहे थे। गुनगुन ने उनके कमरे का दरवाजा खटखटाया और कहा, मे आई कम इन। मिश्रा जी ने सिर उठाकर ऊपर देखा। गुनगुन को देखकर उन्होंने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, अरे गुनगुन मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। गुनगुन मिश्रा जी के कैबिन में दाखिल हुई और सामने रखी हुई रोलिंग चेयर पर बैठ गई। मिश्रा जी ने इंटरकॉम से पियोन को फोन करके 2 कॉफी मंगवाई। मिश्रा जी ने फाइल्स को बंद कर दिया और गुनगुन से पूछा,
क्या बात है गुनगुन, फोन पर तुम बहुत परेशान लग रही थी। गुनगुन मिश्रा जी से ये बात कहते हुए थोड़ा हिचक रही थी। उसने हिचकते हुए मिश्रा जी से कहा, वो मिश्रा जी, दरअसल बात यह है कि मिश्रा जी को समझ आ रहा था जरूर कोई ऐसी बात है जिसे कहने में गुनगुन हिचक रही है। तभी पियोन कॉफी के 2 मग के साथ ऑफिस में दाखिल हुआ। मिश्रा जी ने कॉफी का मग गुनगुन की तरफ सरकाते हुए कहा, गुनगुन जो भी बात है खुलकर कहो, तुम मुझे अपना दोस्त मान सकती हो। मिश्रा जी की बात सुनकर गुनगुन को थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। उसे लग रहा था मिश्रा जी जरूर उसकी बात समझेंगे, लेकिन वो नहीं जानती थी कि उसकी बात सुनने के बाद मिश्रा जी का ऐसा रिएक्शन आएगा जो उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। गुनगुन ने अपनी सदी हुई आवाज में कहा, मिश्रा जी मैं ये नौकरी छोड़ना चाहती हूँ। गुनगुन की बात सुनकर जैसे मिश्रा जी अपना आपा ही खो बैठे, उन्होंने गुनगुन की तरफ हैरत से देखते हुए कहा, क्या बकवास कर रही हो गुनगुन, तुम नौकरी क्यों छोड़ना चाहती हो? गुनगुन अपनी पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम हर किसी से डिस्कस नहीं कर सकती थी। उसने धीमे स्वर में मिश्रा जी की बात का जवाब देते हुए कहा, कुछ पर्सनल कारण है मिश्रा जी, वरना मैं कभी आपसे ये बात नहीं करती। मिश्रा जी ने अपनी आवाज को तेज करते हुए कहा, अचानक ऐसी कौन सी पर्सनल प्रॉब्लम आ गई है गुनगुन? गुनगुन ने मिश्रा जी की बात का जवाब देते हुए कहा, वो मैं आपको नहीं बता सकती। मिश्रा जी को गुनगुन पर बहुत गुस्सा आ रहा था। गुनगुन के भरोसे पर ही उन्होंने साहब का केस हाथ में लिया था। गुनगुन के चले जाने पर उन्हें केस पर नए सिरे से मेहनत करनी होगी, लेकिन मिश्रा जी भी कच्चा काम नहीं करते। उन्होंने सख्ती के साथ गुनगुन से कहा, मेरी फर्म ने तुम्हें इतने पैसे खैरात में नहीं दिए हैं कि जब तुम्हारा मन करे तुम मुंह उठाकर चल दो। तुम्हें पता है तुम इस कंपनी की सबसे महंगी लॉयर हो। गुनगुन ने अपना इरादा पक्का कर लिया था। उसने पूरी हिम्मत के साथ कहा, मिश्रा जी मैंने नौकरी छोड़ने का मन बना लिया है, मैं वापस दिल्ली जा रही हूँ। मिश्रा जी ने अपने पीछे रखी अलमारी से फाइल निकाली। उन्होंने उस फाइल में से कुछ पेपर निकाले और गुनगुन के मुंह पर फेंकते हुए कहा, गुनगुन नौकरी छोड़ने से पहले जरा इसे पढ़ लेना। गुनगुन ने पेपर उठाए और उन्हें पढ़ा और फिर मिश्रा जी की तरफ देखते हुए कहा, ये तो कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स हैं। गुनगुन पजल्ड एक्सप्रेशन के साथ मिश्रा जी को देख रही थी। मिश्रा जी ने गुनगुन की तरफ देखते हुए कहा, इतनी हैरानी से मत देखो, ये पेपर्स तुमने ही साइन किए थे। इसमें साफ साफ लिखा है कि तुम 2 साल तक ये जॉब नहीं छोड़ सकती। गुनगुन के मन की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मिश्रा जी गुनगुन का एकमात्र सहारा थे और वो भी उसके खिलाफ बोल रहे थे। गुनगुन ने उन्हें समझाते हुए कहा, आप समझ नहीं रहे हैं मिश्रा जी, मेरा यहाँ से जाना बहुत इम्पोर्टेंट है। मिश्रा जी ने 2 टूक शब्दों में गुनगुन से कहा, गुनगुन इस केस से ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए कुछ नहीं है। तुम्हें इस केस के लिए दिल्ली से यहाँ बुलाया था, तुम इस केस के सेटलमेंट से पहले यहाँ से नहीं जा सकती। गुनगुन कुर्सी पर भूत बनकर बैठी थी। उसने मिश्रा जी के इस रूप को आज से पहले कभी नहीं देखा था। मिश्रा जी ने अपनी फाइल्स को फिर से ओपन किया। गुनगुन अभी भी वही खामोश बैठी थी। मिश्रा जी ने गुनगुन को इग्नोर करते हुए अपनी फाइल्स में देखा और बिना उसकी तरफ देखे कहा, गुनगुन यू मे लीव नाउ, और हाँ जाते वक्त दरवाजा बंद कर देना। गुनगुन खुद को बहुत ही बेसहारा महसूस कर रही थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिंदगी उसके लिए सारे रास्ते बंद कर देगी। गुनगुन का दिमाग काम नहीं कर रहा था। वो मिश्रा जी के ऑफिस से निकल चुकी थी। उसने घड़ी में टाइम देखा, अप्पू और डप्पू का स्कूल खत्म होने में अभी भी टाइम था। गुनगुन अकेले घर नहीं जाना चाहती थी, वो खुद को थोड़ा अच्छा महसूस करवाना चाहती थी, इसलिए वो एक कॉफी शॉप में गई। उसने एक कॉफी ऑर्डर की। वो सोच ही रही थी कि इस मुसीबत की घड़ी में किससे मदद मांगे। गुनगुन ने अपने फोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट को स्क्रॉल किया। उसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में उसे निमेश का नंबर दिखा। निमेश वही लड़का था जिसके साथ साहब ने गुनगुन को देख लिया था और सबके सामने इंसल्ट की थी। गुनगुन को याद आया निमेश इंफॉर्मेशन और डाटा डिपार्टमेंट में काम करता है। उसने निमेश को फोन लगाया और कहा, हेलो निमेश, मैं गुनगुन माथुर बोल रही हूँ। निमेश ने गर्म जोशी के साथ गुनगुन की बात का जवाब देते हुए कहा, अरे आपको कौन नहीं जानता, बताइए कैसे याद किया? गुनगुन ने निमेश से कहा, बहुत जरूरी काम है, क्या तुम मुझे सीएन सैन कॉफी शॉप में मिल सकते हो? निमेश ने कहा, अभी हाजिर हो जाता हूँ, वैसे भी अभी लंच टाइम चल रहा है। गुनगुन कैफे में बैठे बैठे निमेश का इंतजार कर रही थी। थोड़ी ही देर में निमेश कैफे में एंटर हुआ। वो गुनगुन के सामने वाली टेबल पर बैठ गया। निमेश ने गुनगुन की तरफ मुस्कुराकर कहा, क्या बात है, इस नाचिस को कैसे याद किया? गुनगुन ने निमेश की तरफ देखते हुए कहा, तुम तो जानते हो मैं साहब के केस पर काम कर रही हूँ, एक एविडेंस मिला है, बस उसकी जांच करवानी है। गुनगुन का चेहरा एकदम उतरा हुआ था।
निमेश को लग रहा था गुनगुन टेंशन में है और ये काम शायद उसके लिए बहुत जरूरी है। निमेश ने गुनगुन से कहा, क्या एविडेंस है और क्या पता करना है? अगर मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगा तो जरूर करूंगा। गुनगुन ने एक वीडियो निमेश को सेंड किया और कहा, ये एक वीडियो है, क्या तुम पता करके बता सकते हो ये असली वीडियो है या डीप फेक वीडियो है AI का यूज करके? निमेश ने गुनगुन की तरफ देखा और बहुत ही रिलैक्स्ड वॉइस में कहा, बस इतनी सी बात, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। इतना कहकर निमेश वहां से चला गया। निमेश के रूप में गुनगुन को अंधेरे में एक रोशनी नजर आई थी। इस वीडियो की सच्चाई पता चलने के बाद गुनगुन के लिए इस केस को सुलझाना आसान होगा। जितना जल्दी वो इस केस को सुलझा लेगी उतना जल्दी ही वो इस शहर को अलविदा कह पाएगी। गुनगुन का रेस्टोरेंट जुहू बीच के पास था। रेस्टोरेंट की खिड़की से गुनगुन समंदर देख रही थी। आज समंदर कुछ ज्यादा ही उफान पर था। गुनगुन की कॉफी खत्म हो चुकी थी। वेटर बिल लेकर आया। गुनगुन ने बिल पे किया और वहां से चली गई। उधर लीला देवी भी किसी काम से बाहर आई थी। उनकी गाड़ी भी जुहू बीच से गुजर रही थी। लीला देवी ने कार की खिड़की से समंदर को देखते हुए ड्राइवर से कहा, कितने दिनों बाद इस समंदर को देख रहे हैं, आज कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा है। ड्राइवर ने लीला की बात का जवाब देते हुए कहा, मैडम रात में और भी सुंदर लगता है, मैं कल ही आया था साहब के साथ। ड्राइवर की बात सुनकर लीला एकदम से चौंक गई और उन्होंने ड्राइवर से फिर से सवाल किया, साहब रात को यहाँ क्या कर रहे थे? ड्राइवर बताना नहीं चाहता था, लेकिन अब इस बात को छुपाना उसके लिए और भी खतरनाक होगा, इसलिए उसने सच बोलना ही ज्यादा बेहतर समझा। ड्राइवर ने कहा, साहब रात को 2 बजे तक यहाँ थे, वो देर रात तक शराब पीते रहे। शराब का नाम सुनते ही लीला की भौहें तन गई। वो सोच रही थी, साहब को कोई इस तरह शराब के नशे में धुत देख लेता तो क्या सोचता, उनके खानदान का नाम तो मिट्टी में मिल जाता। लीला के लिए अचानक घर का रास्ता लंबा हो गया था। उन्हें साहब से इस बात का जवाब चाहिए था। लीला देवी ने साहब को फोन लगाया और कहा, साहब आप अभी के अभी घर आइए, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। बस इतना कहकर लीला ने फोन काट दिया। लीला कुछ ही देर में घर पहुंच चुकी थी। साहब अभी घर नहीं पहुंचे थे। लीला देवी साहब के इंतजार में अपने हॉल के चक्कर काट रही थी। थोड़ी ही देर में उन्हें साहब की गाड़ी की आवाज सुनाई दी। साहब चुपचाप कमरे में दाखिल हुए। वो लीला देवी से नजरें बचाकर सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे की तरफ जा रहे थे। लीला देवी ने साहब को रोकते हुए कहा, कहां जा रहे हो साहब, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। साहब को पता था लीला देवी गुस्से में है, वरना वो उन्हें ऑफिस से इस तरह नहीं बुलाती। साहब उनके गुस्से से बचना चाहता था। उसने झूठी बात बनाते हुए कहा, माँ आज सिर थोड़ा दर्द कर रहा है। लीला देवी ने उसे गुस्से से आवाज लगाते हुए कहा, लगता है कल रात का नशा अभी तक नहीं उतरा। साहब ने चौंक कर लीला देवी को देखा, लेकिन उसने लीला देवी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। साहब अपनी इस हरकत से शर्मिंदा थे और लीला देवी के सामने सिर झुकाकर खड़े थे। लीला देवी ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, मैं पूछ सकती हूँ, हमारे लाड साहब को ऐसा क्या दुख था कि वो आवारा सड़क छाप की तरह आधी रात को शराब पी रहे थे? साहब लीला देवी को नहीं बता सकते थे कि वो गुनगुन के घर गए थे। साहब एक एक सीढ़ी चढ़ रहे थे और अपने कमरे की ओर जा रहे थे। लीला देवी ने पीछे से चिल्लाते हुए कहा, मुझे जवाब चाहिए साहब। साहब कुछ नहीं बोले, वो चुपचाप अपने कमरे में चले गए। कमरे में मुनमुन उनका इंतजार कर रही थी। मुनमुन ने आते ही साहब के गले में हाथ डालकर कहा, आज शॉपिंग पर चलेंगे? साहब ने मुनमुन का हाथ झटक दिया और सीधे धम से बिस्तर पर जा गिरे। उनके कानों में गुनगुन के कहे शब्द अभी तक गूंज रहे थे। साहब के इस बर्ताव से लीला देवी समझ गई थी कि साहब जरूर उनसे कुछ ना कुछ छिपा रहे हैं। वो अपने कमरे में जाती है। अपने कमरे में पहुंचकर वो ड्राइवर को फोन लगाती है और कहती है, ड्राइवर अभी मेरे कमरे में आओ। क्या लीला ड्राइवर से उगलवा लेगी कि साहब कहां गए थे? लीला देवी के कमरे में ड्राइवर उनके सामने खड़ा था। गुनगुन का नाम सुनते ही लीला देवी के तन बदन में आग लग गई। वो सोच रही थी, आखिर साहबजादा इतनी बड़ी गुस्ताखी कैसे कर सकता है? 5 साल पहले जो रिश्ता खत्म हो गया था, अब वो लौटकर क्यों आया है? गुस्से से लीला देवी अपने हॉल की सीढ़ियों से चढ़ते हुए साहबजादा के कमरे में जा रही थी, लेकिन उन्हें ये कदम कहीं साहबजादा से दूर तो नहीं ले जा रहे थे? ये ख्याल उनके मन में आया, लेकिन उनका गुस्सा इस वक्त कुछ भी सही सोचने की क्षमता को रोक रहा था। लीला देवी ने आखिर सीढ़ी चढ़ी और वो साहबजादा के कमरे के सामने खड़ी थी। वो सीधे ही साहबजादा के कमरे में एंटर कर गई। लीला देवी की जगह अगर कोई और होता तो इस हिमाकत के लिए साहबजादा उसे कड़ी से कड़ी सजा देता।
लीला देवी ने देखा कि साहबजादा अपने कमरे में आराम से सो रहा है। मुनमुन साहबजादा के पास बैठे हुए उनके सोते हुए चेहरे को प्यार से देख रही थी। लीला देवी को देखकर मुनमुन तुरंत अपनी जगह से उठ गई और लीला देवी को देखकर कहा, माँ जी आपको कोई काम था तो मुझे बुला लिया होता। लीला देवी ने मुनमुन की तरफ देखा। लीला की गुस्से से लाल आंखों को देखकर मुनमुन डर गई और उससे आगे कुछ न बोला गया। मुनमुन तुम यहाँ से जाओ, मुझे साहबजादा से अकेले में कुछ बात करनी है। लीला देवी के गुस्से के बारे में मुनमुन अच्छे से जानती थी, इसलिए बिना सवाल किए मुनमुन चुपचाप वहाँ से चली गई। लीला देवी मुनमुन के सामने साहबजादा से गुनगुन के बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि मुनमुन को पता चले कि साहबजादा गुनगुन से मिलने के लिए गए थे। साहबजादा अभी भी अपने पलंग पर सो रहे थे। उन्होंने साहबजादा को हिलाते हुए कहा, साहबजादा उठिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। लेकिन साहबजादा ने उनकी बात को सुना ही नहीं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत गहरी नींद में सो रहे हो। लीला देवी अपने बेटे की रग रग से वाकिफ थी। वो जानती थी उन्हें क्या करना है। लीला देवी अपने कमरे में चली गई। साहबजादा ने चुपके से आंखें खोली और देखा लीला देवी कमरे से जा रही है। लीला देवी को जाते देख साहबजादा को थोड़ी राहत मिली, लेकिन वो फिर से सोने की एक्टिंग करने लगे। लीला देवी वॉशरूम गई और वहाँ एक बकेट में पानी भरा। पानी से भरी बाल्टी लेकर वो साहबजादा के कमरे में गई। उन्होंने सीधे बाल्टी भर पानी साहबजादा के चेहरे पर डाल दिया। साहबजादा हड़बड़ा कर उठे। साहबजादा पूरा का पूरा पानी से भीग चुके थे। उन्होंने लीला देवी की तरफ देखते हुए कहा, माँ ये क्या किया आपने? मैं ऑफिस से काम करते करते थक गया था, आप मेरे उठने के बाद बात कर लेती। लीला देवी ने साहबजादा की ओर देखते हुए कहा, बहाने मत बनाओ साहबजादा, मैं जानती हूँ आप सोने का नाटक कर रहे थे, इस तरह आप मेरे सवालों से नहीं बच सकते। साहबजादा को समझ आ गया था कि लीला को पता चल चुका है कि वो गुनगुन से मिले थे। वो जानते थे कि लीला देवी से बचना मुश्किल है, आखिर वो साहबजादा की माँ है। साहबजादा ने अपने चेहरे को टॉवल से पोंछते हुए कहा, माँ पूछिए आप क्या पूछना चाहती है। लीला देवी ने साहबजादा की तरफ देखते हुए कहा, तुम गुनगुन से मिलने क्यों गए थे? साहबजादा को अचानक से कोई जवाब नहीं सूझ रहा था। 2 मिनट तक सोचने के बाद उन्होंने लीला देवी से कहा, मैं गुनगुन से केस के सिलसिले में मिलने गया था। साहबजादा लीला से नजरें चुरा रहे थे। झूठ बोलते वक्त अपनी माँ से नजरें मिलाने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही। लीला देवी को भी साहबजादा की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। लीला उस वक्त तो कमरे से चली गई, लेकिन उन्होंने तय कर लिया था वो गुनगुन की तरफ बढ़ रहे साहबजादा के कदमों को रोक कर रहेंगी। साहबजादा और गुनगुन के बारे में सोच सोच कर लीला देवी को नींद नहीं आ रही थी। 5 साल पहले गुनगुन को अनजाने में अपने घर की बहू बना लिया था, लेकिन अब 5 साल बाद वो जानबूझकर इस गलती को दोहराने का मौका नहीं देंगी। लीला देवी रात भर जगी रही और साहबजादा के उठने से पहले ही वो कहीं निकल चुकी थी। साहबजादा ने अपने नौकर से पूछा, माँ कहाँ गई है? नौकर को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसने साहबजादा की बात का जवाब देते हुए कहा, नहीं मालूम सर, मुझे बोलकर नहीं गई, हो सकता है मंदिर गई हो। साहबजादा ने आज अकेले ही ब्रेकफास्ट किया और ब्रेकफास्ट के बाद वो सीधे ही ऑफिस के लिए निकल गया। जल्द ही साहबजादा अपने ऑफिस पहुंच चुके थे। वो अपने रौबदार अंदाज में कैबिन की तरफ बढ़ रहे थे। उन्होंने अपनी आंखों से काला चश्मा उतारा और रिसेप्शनिस्ट की तरफ देखा। रिसेप्शनिस्ट ने हल्की मुस्कुराहट के साथ साहबजादा को गुड मॉर्निंग कहा। साहबजादा अपने कैबिन में पहुंच चुके थे। उन्होंने इंटरकॉम से तिवारी जी को फोन लगाया और कहा, तिवारी जी आप अभी मेरे कैबिन में आ सकते हैं? दूसरी तरफ से तिवारी जी ने धीमे से कांपती हुई आवाज में कहा, साहबजादा मुझे 15 मिनट का टाइम दीजिए, मैं कुछ काम खत्म करके आता हूँ। आखिर तिवारी जी ने साहबजादा को वेट करने के लिए क्यों कहा और उनकी आवाज इतनी कांप क्यों रही थी? साहबजादा के मन में कुछ इस तरह की उधेड़ बुन चल रही थी। साहबजादा अपने कैबिन से उठकर तिवारी जी के कैबिन की ओर चल पड़े। तिवारी जी के कैबिन में एक ऐसा चेहरा था जिसे देखकर साहबजादा भी डर गए। तिवारी जी के कमरे में साहबजादा ने लीला देवी को देखा। साहबजादा ने इस वक्त तिवारी जी के कैबिन में जाना सही नहीं समझा। साहबजादा कैबिन के बाहर खड़े होकर उनकी बातें सुनने लगे। कैबिन के अंदर बैठी हुई लीला देवी ने तिवारी जी से सवाल किया, साहबजादा गुनगुन से क्यों मिलने गए थे? आप जानते हैं ना मैं उस लड़की को जरा भी पसंद नहीं करती। तिवारी जी जानते थे कि साहबजादा गुनगुन से मिलने क्यों गए थे, लेकिन फिलहाल वो इस राज को राज ही बनाए रखना चाहते। उन्होंने लीला देवी से झूठ बोलते हुए कहा, मुझे नहीं लगता साहबजादा वहां गए होंगे, आपसे किसी ने झूठ कहा होगा। लीला देवी समझ रही थी
तिवारी जी साहबजादा के साथ मिले हुए हैं। उन्होंने तिवारी जी को डांटते हुए कहा, तिवारी जी आप भी इस खेल में शामिल हैं, आपसे ये उम्मीद मुझे कतई नहीं थी। तिवारी जी ने दबी हुई जुबान में लीला देवी की बात का जवाब देते हुए कहा, कौन सा खेल, मुझे इस बारे में सच में कुछ नहीं पता। लीला देवी का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उन्होंने तिवारी जी को टोंट मारते हुए कहा, तिवारी जी या तो आप बहुत मासूम हैं या आप मुझे बहुत बेवकूफ समझते हैं। ड्राइवर ने मुझे सब बता दिया और साहबजादा ने भी इस बात को कबूला है। इसके बाद लीला देवी तिवारी जी पर बरस पड़ी और तेज आवाज में उनसे कहा, मैंने आपको साहबजादा की जिम्मेदारी दी थी और आप उसके रंग में रंगने लगे। तिवारी जी अगर गुनगुन साहबजादा के आसपास भी दिखी तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अब साहबजादा को पता चल चुका था कि गुनगुन से मिलने वाली बात ड्राइवर ने लीला देवी को बताई है। साहबजादा गुस्से से आग बबूला हो गए। वो वापस अपने कैबिन में आ गए और उन्होंने ड्राइवर को फोन मिलाया और गुस्से से कहा, अभी के अभी मेरे कैबिन में आओ। ड्राइवर साहबजादा के बोलने के अंदाज से समझ गया कि साहबजादा बहुत गुस्से में है। वो भागकर साहबजादा के कैबिन में गया और कैबिन में एंटर किया। उसने नजरें झुकाते हुए कहा, आपने इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया सर। साहबजादा ने गुस्से से उसकी ओर देखा और कुछ ऐसा कहा कि ड्राइवर शर्म से पानी पानी हो गया। अचानक वो खुद को बहुत कमजोर और छोटा महसूस कर रहा था। साहबजादा ने ड्राइवर से गुस्से से कहा, अपने कपड़े निकालो, ये पैंट और ये शर्ट। ड्राइवर ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, सर आप ये क्या कर रहे हैं, मुझसे अगर कोई गलती हुई है तो मुझे माफ कर दीजिए। साहबजादा ने उसकी तरफ देखा और गुस्से से कहा, तुम्हें बहुत शौक है ना दूसरों के राज खोलने का, चलो अब अपने कपड़े उतारो। ड्राइवर ने साहबजादा की तरफ देखा और दबी हुई आवाज में कहा, सर मैं ऐसा नहीं करूंगा, मेरी भी इज्जत है। साहबजादा ड्राइवर के करीब गए, उन्होंने ड्राइवर की तरफ देखा और गुस्से से उसके गाल पर कसकर एक थप्पड़ जड़ दिया। साहबजादा का थप्पड़ इतना जोरदार था कि कुछ मिनटों तक ड्राइवर के कानों में उसकी आवाज गूंजती रही। इसके बाद साहबजादा ने चिल्लाते हुए कहा, जो मैं कह रहा हूँ चुपचाप करो। ड्राइवर ने साहबजादा की तरफ देखा। ड्राइवर को साहबजादा की आंखों में पागलपन दिखाई दे रहा था। ड्राइवर को लग रहा था कि अगर आज उसने साहबजादा की बात नहीं मानी तो वो किसी भी हद से गुजर जाएगा। ड्राइवर ने एक एक करके अपने कपड़े उतारे। वो सिर्फ अंडरवियर में साहबजादा के सामने खड़ा था। साहबजादा ने ड्राइवर से कहा, अब तुम जा सकते हो, शाम को अपना हिसाब कर लेना और कल से आने की जरूरत नहीं है। ड्राइवर झुककर अपने कपड़े उठा रहा था। साहबजादा ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं कपड़े यहीं रहेंगे, तुम ऐसे ही मेरे ऑफिस से बाहर जाओगे। ड्राइवर धीमे धीमे कदमों से साहबजादा के कैबिन से बाहर बढ़ रहा था। वो कैबिन से बाहर निकला, उसकी आंखों से आंसू छलक रहे थे। ऑफिस में जिसने भी इस नजारे को देखा उसने शर्म से अपनी नजरें झुका ली। कुछ लोग धीमी धीमी आवाज में फुसफुसा रहे थे। अंडरवियर में ड्राइवर ने लिफ्ट में एंटर किया। लिफ्ट में मौजूद लोग उसे घूर घूर कर देख रहे थे। ड्राइवर शर्म से पानी पानी हुआ जा रहा था। वो एकदम से फूट फूट कर रोने लगा। ड्राइवर गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था जहाँ लीला उसका इंतजार कर रही थी। उसको अंडरवियर में देख कर लीला देवी ने अपनी नजरें झुका ली। उन्होंने ड्राइवर को देखा और कहा, ये क्या है तुम इस तरह से। ड्राइवर ने रोते रोते सारी बात लीला देवी को बताई। लीला देवी को साहबजादा की इस हरकत से गुस्से से ज्यादा शर्म आ रही थी। वो ड्राइवर को अपने साथ लेकर वापस साहबजादा के कैबिन में गई। ड्राइवर एक बार फिर उसी तरह से कैबिन जा रहा था लेकिन इस बार उसकी आंखों में शर्म और आंसू कुछ कम थे। लीला देवी ड्राइवर के साथ दंदनाते हुए साहबजादा के कैबिन में गई। उस समय साहबजादा तिवारी जी के साथ कुछ डिस्कस कर रहे थे। लीला ने साहबजादा को डांटते हुए कहा, ये क्या हरकत है साहबजादा, आप शर्म और लिहाज भूल गए हैं। लीला देवी ने फर्श पर देखा, ड्राइवर के कपड़े पड़े हुए थे। उन्होंने साहबजादा पर बरसते हुए कहा, ड्राइवर के कपड़े वापस दो साहबजादा। साहबजादा ने गुस्से से कहा, वहां पड़े हैं खुद उठा लेगा। लीला देवी ने कड़क आवाज में कहा, साहबजादा आप उठा कर देंगे, वो भी पूरी इज्जत के साथ। साहबजादा ने फर्श पर से कपड़े उठाकर ड्राइवर के हाथ में पकड़ाए। लीला देवी ने साहबजादा की तरफ घूरते हुए कहा, देखती हूँ तुम्हें कौन नौकरी से निकालता है। इतना कहकर लीला देवी साहबजादा के कैबिन से बाहर निकल गई। ड्राइवर भी अब शान से लीला देवी के पीछे पीछे चल रहा था। लीला देवी के जाने के बाद साहबजादा के फोन की घंटी बजी। साहबजादा को मिश्रा जी ने फोन किया था। मिश्रा जी ने साहबजादा से कहा, आज मेरी शादी की सालगिरह है,
होटल क्लासिक क्लब में एक छोटी सी पार्टी रखी है, आप आएंगे तो बहुत खुशी होगी। साहबजादा ने बहुत ही गर्म जोशी के साथ कहा। कंग्रेचुलेशंस मिश्रा जी, मैं पूरी कोशिश करूंगा। फोन रखने के बाद साहबजादा को गुनगुन का ख्याल आया। वो सोचने लगा कि गुनगुन भी वहाँ होगी। गुनगुन को याद करते हुए साहबजादा का दिल आज भी मोम की तरह पिघल जाता। ऑफिस का काम खत्म करके आज साहबजादा घर के लिए जल्दी निकल चुके थे। शाम को साहबजादा पार्टी के लिए तैयार होते हैं और गुनगुन का फेवरेट परफ्यूम लगाते हैं। मुनमुन उन्हें इस तरह से तैयार होते देखती है तो पूछती है, आप इतना तैयार होकर किसी पार्टी में जा रहे हैं, मैं भी आपके साथ चलूं? साहबजादा ने परफ्यूम को अपनी हथेलियों में रगड़ते हुए जवाब दिया, पार्टी नहीं क्लाइंट मीटिंग है, तुम वहाँ बोर हो जाओगी। इतना कहकर साहबजादा मुनमुन को इग्नोर करते हुए लॉन की तरफ चले गए। उन्होंने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और होटल क्लासिक क्लब की तरफ चल दिए। पार्टी बहुत शानदार थी, शहर के बड़े बड़े लोग उस पार्टी में आए थे। साहबजादा के पार्टी में पहुंचने से मिश्रा जी का रुतबा और बढ़ गया था। सब साहबजादा की ओर देख रहे थे, लेकिन साहबजादा की नजरें जिसे खोज रही थी वो नजर नहीं आ रही थी। साहबजादा की नजरें गुनगुन को खोज रही थी। गुनगुन भी अपनी कार से क्लासिक क्लब पहुंच चुकी थी। उसके साथ में अप्पू और डप्पू भी थे। उसने फिर पीछे की सीट पर बैठे अप्पू और डप्पू को देखकर कहा, तुम दोनों यही कार में वेट करना, मैं बस यूं गई और यूं आई। अप्पू और डप्पू को गाड़ी में बैठा कर गुनगुन पार्टी हॉल में पहुंच चुकी थी। पर्पल ड्रेस में गुनगुन बहुत सुंदर दिख रही थी। जब गुनगुन कार से उतरकर पार्टी की तरफ जा रही थी, तब उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। वो यहाँ पर आना नहीं चाहती थी, लेकिन ये उसकी एक मजबूरी बन गई थी और वो अपनी लाइफ में मजबूर होकर जैसे थक सी गई थी। मिश्रा जी ने उसके साथ किया उस चीज को वो आसानी से भूल नहीं सकती है, लेकिन उसे ये भी पता है कि उसकी रेप्यूटेशन किस तरीके की है, और इसलिए वो एक स्माइल के साथ फाइनली वहाँ पर अंदर एंटर हुई। अंदर एंटर होते ही उसने देखा कि वो एक बहुत बड़ी ग्रैंड पार्टी थी। वहाँ पर हर तरफ अमीर लोग दिख रहे थे जो शायद उसकी फर्म के क्लाइंट रहे होंगे, और साथ ही ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्हें गुनगुन ने पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन सब में एक बात कॉमन थी कि वो सब रईस थे। तब वो एक नर्वस इंसान की तरह वहाँ बीच में खड़ी हो गई और आसपास देखने लगी, जहाँ पर लोग महंगे डिनर क्यूजिन को एंजॉय कर रहे थे या अपने गिलास में रेड वाइन पी रहे थे। लेकिन गुनगुन को अपने मन में पता था कि उसका टारगेट क्लियर है, उसे बस एक बार मिश्रा जी से मिलना है और फिर वहाँ से चले जाना है। यही बात सोचकर वो पार्टी में आगे बढ़ी, लेकिन तभी उसे पीछे से माधुरी की आवाज आई, हेलो गुनगुन मैम। गुनगुन ने पलट कर देखा कि माधुरी यूं तो बहुत सीधी दिखती थी, लेकिन आज की पार्टी के लिए उसने एक वन पीस वाइट शॉर्ट ड्रेस और मेकअप कर रखा था। वो बहुत ही सुंदर दिख रही थी, पर गुनगुन को पता था कि ऐसी ड्रेस पहनने का आधा मकसद लोगों को अट्रैक्ट करना था, और शायद मिश्रा जी ने ही ये चीज माधुरी से कही होगी ताकि वो और क्लाइंट्स उनकी फर्म में लेकर आ सके। माधुरी गुनगुन के पास आई और उसने कहा, इट्स गुड टू सी यू मैम, मुझे तो लगा था कि शायद हमारा मिलना नहीं हो पाएगा, बट आई एम हैप्पी कि हम किसी तरह यहाँ पर तो मिल गए। हाँ ये तो होना ही था माधुरी, लेकिन मैम क्या आप यहाँ अकेली आई हैं? माधुरी ने पूछा, और तब गुनगुन के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। वो पहले ही इस पार्टी में नहीं आना चाहती थी, और अब अगर उससे कोई ऐसे सवाल पूछे कि वो अकेली आई तो शायद उसे भड़क जाना चाहिए, लेकिन आसपास की कंडीशन देखकर वो बस चुप रही। और तब माधुरी ने अपने पीछे देख एक आदमी की तरफ इशारा किया। वो आदमी उनके पास आया और तब माधुरी ने कहा, ये मेरे हस्बैंड है अश्विन, ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, और अश्विन ये गुनगुन माथुर मैडम है जिनके बारे में मैंने तुम्हें बताया था, वन ऑफ द बिगेस्ट लॉयर ऑफ आर कंट्री, और मेरा बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि मुझे इनके साथ काम करने का मौका मिल रहा है। इट्स एन ऑनर टू फाइनली मीट यू, अश्विन ने इतना कहकर गुनगुन की तरफ हाथ बढ़ाया, और गुनगुन ने बिना किसी स्माइल के ही उससे हैंडशेक किया। ये बात माधुरी और अश्विन दोनों को ही समझ आ गई थी कि गुनगुन का मूड ठीक नहीं है। तब माधुरी ने आगे बात करते हुए कहा, ठीक है मैम आप एंजॉय कीजिए। इतना कहकर वो दोनों वहां से चले गए। गुनगुन वहां पर अकेली खड़ी इस चीज के बारे में सोच रही थी कि वो किस तरह एंजॉय करे। उसका मन यहाँ पर नहीं लग रहा था और बस आंखें मिश्रा जी को ढूंढ रही थी। तभी उसने मिश्रा जी को देखा जो चार फॉरेनर्स के बीच में खड़े होकर कुछ बात कर रहे थे, और गुनगुन उनकी तरफ जाने लगी। वहां पर भीड़ थोड़ी ज्यादा थी,
इसलिए गुनगुन को मिश्रा जी तक पहुंचने में टाइम लग रहा था और डिस्को के म्यूजिक की वजह से मिश्रा जी को गुनगुन की आवाज सुनाई भी नहीं दे रही थी। वो आगे बढ़ी और तभी अचानक उसका पैर स्लिप हो गया और वो अपने राइट हैंड साइड खड़े आदमी पर गिर गई। वहां पर खड़े आदमी की वाइन का ग्लास अनस्टेबल हो गया और वो गुनगुन की ड्रेस पर गिर गया। गुनगुन रेड वाइन में भीग चुकी थी और वो अपने आप को देख रही थी और तब उसने सामने की तरफ देखा कि वो साहबजादा से टकरा चुकी थी। वो हैरान था और गुनगुन उससे ज्यादा हैरान थी क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि साहबजादा यहाँ पर होंगे। आसपास के लोग गुनगुन की मदद करने के लिए आगे आए और उसे सीधा खड़े होने में मदद की, लेकिन साहबजादा बस हैरानी से उसकी तरफ देख रहे थे। और तब गुनगुन ने बिना कुछ कहे वॉशरूम की तरफ जाकर अपनी ड्रेस साफ करने के बारे में सोचा। लेडीज वॉशरूम के अंदर घुसते ही गुनगुन ने देखा कि वो पूरा खाली है और वो बेसिन के वहां पर खड़ी रहकर अपने ड्रेस की दाग को कांच में देखकर साफ करने लगी। पर अगले ही पल उसे सुनाई दिया कि वहां पर कोई एंटर हुआ है। उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर उसने जैसे ही नजर उठाकर सामने कांच में देखा तो उसे दिखा कि वहां पर साहबजादा खड़े हुए हैं। गुनगुन हैरान हो गई और उसने तपाक से साहबजादा की तरफ पलटते हुए कहा, साहबजादा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अगर किसी ने हम दोनों को यहाँ पर देख लिया तो बहुत बड़ा तमाशा हो जाएगा। मुझे उसकी चिंता नहीं है गुनगुन, साहबजादा ने कहा। गुनगुन को उनकी आवाज में थोड़ा सा गुस्सा समझ आ रहा था। तब उसने सोचा शायद साहबजादा उसे यहाँ पर डांटने आए हैं, इसलिए उसने पहले से ही माफी मांगने के बारे में सोचते हुए कहा, देखिए साहबजादा, अगर आप मुझे इस बारे में चिल्लाने वाले हैं कि मैंने उस दिन आपके साथ वैसा क्यों रिएक्ट किया, तो मैं आपको बता दूं कि वो मेरी चॉइस है। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चों के आसपास भी आप आओ और उनसे किसी भी तरह इंटरेक्ट करो। मैं मानती हूँ कि अप्पू और डप्पू आपकी कंपनी में घुसे और आपके साथ उन्होंने कुछ शरारत की, लेकिन ऐसा आगे से नहीं होगा। और रही अभी की बात, तो शायद आपको इस बात की भनक होनी चाहिए कि आप मेरे रास्ते में क्यों आ गए। अगर आप रास्ते में नहीं आते तो शायद वाइन मेरे ऊपर नहीं गिरती। ठीक है, मैं माफी मांगने को तैयार हूँ गुनगुन, आई एम सॉरी, साहबजादा ने धीरे से कहा और उनकी आवाज वॉशरूम में गूंजने लगी। गुनगुन को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ कि साहबजादा ने पहली बार उससे माफी मांगी थी। और तब वो कुछ कहती उसके पहले ही साहबजादा ने कहा, मैं तैयार हूँ इस बात के लिए माफी मांगने के लिए कि मैं तुम्हारे रास्ते में आया और मेरी वजह से तुम्हारे ऊपर वाइन गिरी, लेकिन मैं इस बात के लिए भी माफी मांगने के लिए तैयार हूँ कि मैं तुम्हारे घर आया। मैंने कुछ गलत सोच लिया था और इसलिए मैं वहां घुस गया, पर मैं वैसा नहीं हूं। तुम मुझे बहुत अच्छे से जानती हो और शायद इस दुनिया में तुम ही मुझे जानती हो। आज मेरी जब माँ से लड़ाई हुई तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं कभी तुमसे ढंग से बात कर पाऊंगा, लेकिन अभी यहां तुम्हें देखकर मैं जो भी बोल रहा हूं वो पता नहीं कहां से आ रहा है, पर यही सच है गुनगुन। साहबजादा की इस बात को सुनकर गुनगुन बहुत हैरान हो गई। उसने कभी भी साहबजादा को ऐसी बातें करते हुए नहीं सुना था और वो बस कुछ न कहते हुए उन्हें सुनना चाहती थी। पर जब साहबजादा चुप हुए तो उसे समझ आया कि उसे कुछ रिस्पॉन्स देना पड़ेगा और इसलिए उसने कहा, ये आप जो भी बोल रहे हैं इसकी जरूरत नहीं है। मैं मानती हूँ कि कभी कभी हम लाइफ में मिस्टेक करते हैं और मैं आपको ब्लेम नहीं कर रही। आपने जो किया वो आपकी मर्जी थी और मैंने जो समझा वो मेरी मर्जी। मैं भी आपसे माफी मांगती हूँ और मुझे अब जाना चाहिए। गुनगुन इतना कहकर दो कदम आगे बढ़ी ही थी कि साहबजादा ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपने करीब खींच लिया। गुनगुन को साहबजादा के मुंह से वाइन की खुशबू आ रही थी और उसे समझ आ रहा था कि साहबजादा ये सारी बातें वाइन के सुरूर में कह रहे हैं। और तब साहबजादा ने कहा, मुझे एक बात बताओ गुनगुन, तुम क्यों आ गई वापस? क्यों चली गई थी तुम 5 साल पहले? और क्या तुम इस चीज से खुश नहीं थी कि मैं जब तुम्हारे ख्याल से आगे बढ़ चुका था और मेरे लिए सब कुछ नॉर्मल हो गया था, तो तुम फिर क्यों आ गई? क्या तुम मेरी खुशी नहीं देख सकती थी? जिस दिन से तुम आई हो तब से मैं तुम्हारे बारे में सोचने से खुद को एक पल भी नहीं रोक पा रहा हूँ।
ये कैसा जादू है तुम्हारा? पिछले 5 साल में मैंने मुनमुन के साथ भी बहुत बार रिलेशन बनाने की कोशिश की और उसे अपना हमदर्द बनाने के बारे में सोचा, लेकिन ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाया। ऐसा लगता है जो बात तुम में है ना उसमें है और ना ही दुनिया की किसी भी दूसरी लड़की में। ये है क्या तुम मुझे बताओगी? गुनगुन ने साहबजादा की आंखों में देखा, जो उसी तरह नशीली थी जैसे उस रात थी, और ऐसा लग रहा था कि गुनगुन एक बार फिर से उनमें डूबने वाली है। पर उसे ये भी पता था कि वो अपने आप को कंट्रोल करना जानती है, और यही बात सोचकर उसने कहा, मुझे नहीं पता साहबजादा आप क्या कह रहे हो। मैं शायद अब वो गुनगुन नहीं रही जिसे आप ढूंढ रहे हो, जो आपको अपना साथी समझती थी और आपसे हर दुख दर्द शेयर करती थी। वो गुनगुन तो बहुत पहले ही यहाँ से जा चुकी है। अब ये नई गुनगुन आपके सामने है। शायद इसे किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता है। और ऐसा क्यों है? क्या तुम 5 साल में इतनी बदल गई हो कि तुमने एक बार में पलट कर इस बारे में भी नहीं सोचा कि मैं क्या कर रहा हूँ, कि मैं कभी तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ या नहीं? तुमने कभी भी मुझसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश नहीं की। उस दिन हमारी एनिवर्सरी थी और तुम बस गायब हो गई। तुमने एक बार भी पलट कर ये नहीं सोचा कि मैं पूछ लूं कि आखिर साहबजादा कहाँ है, क्या कर रहे हैं और क्या वो मुझसे बात करना चाहते हैं। लेकिन नहीं, बस तुमने तो डाइवोर्स पेपर साइन किया और मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए चली गई। पर मैं तुम्हें बता दूं कि एक कागज पर साइन करने से कुछ नहीं बदलता। हमारा रिश्ता कागज से नहीं, भावनाओं से जुड़ा है। और तुम भले ही इस दुनिया के सारे कागजों को मेरे सामने तराजू पर लाकर रख दो, पर फिर भी तुम्हारे प्यार का भार ज्यादा ही रहेगा, साहबजादा ने कहा। तब गुनगुन को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ कि वो ये क्या सुन रही है। 5 साल पहले साहबजादा ही उसे छोड़कर गायब हो गए और अचानक अब वो ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे वो सब गुनगुन की गलती थी। उसे गुस्सा आने लगा और तब उसने सोचा कि आज वो साहबजादा को उनकी गलती के बारे में बता ही देगी। लेकिन अगले ही पल वॉशरूम का गेट खुल गया। गुनगुन ने देखा कि वहाँ पर 4 लेडीज खड़ी थी, जो पहले तो स्माइल कर रही थी, लेकिन उन दोनों को देखकर उन सबके चेहरे की स्माइल गायब हो गई और सब हैरान होकर देखने लगी। तब गुनगुन ने जल्दी से अपना हाथ साहबजादा की ग्रिप में से छुड़ाया और वो गर्दन नीचे झुकाकर शर्माते हुए वहाँ से बाहर निकल गई। गुनगुन को ऐसा एहसास हो चुका था कि साहबजादा भी उसके पीछे आ रहे हैं, लेकिन वो मुड़कर नहीं देखना चाहती थी, इसलिए वो वहाँ पर मिश्रा जी से भी नहीं मिली और डायरेक्ट बाहर चली गई। बाहर जाते ही उसने एक चैन की सांस ली और सोचा कि अब वापस अंदर जाने का कोई मतलब नहीं है। यही बात सोचकर वो अपनी कार की तरफ बढ़ी, लेकिन अचानक उसने देखा कि कार खाली है और तब उसने कार को अनलॉक किया। वहाँ पर अप्पू और डप्पू नहीं थे। उसे चिंता होने लगी और उसने वहीं पर खड़े रहकर उन लोगों को आवाज लगाई, पर कहीं पर कोई नहीं दिख रहा था। वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड था जो पार्किंग मैनेज कर रहा था, और गुनगुन ने उससे पूछा कि क्या उसने बच्चों को देखा, पर उसने भी मना कर दिया। गुनगुन का दिल जोर से धड़कने लगा और उसे लगा कि शायद उसने अपने बच्चों को खो दिया है। गुनगुन अभी भी वहाँ पर रो रो कर चिल्ला चिल्ला कर अपने बच्चों को ढूंढ रही थी, लेकिन उसे कहीं भी उन दोनों का कोई सुराग नहीं मिला। वो आसपास से निकल रहे हर इंसान से पूछ रही थी, क्या किसी ने दो बच्चों को देखा, लेकिन सब मना कर रहे थे। धीरे धीरे करके गुनगुन की हार्ट बीट तेज हो रही थी और तब उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे हार्ट अटैक आ जाएगा। वो अपने आप को दोष देने लगी कि आखिर क्यों ही वो उन्हें इस पार्टी में लेकर आई, क्यों उसने उन दोनों को इस शहर में बुलाया और क्यों वो नई जिंदगी को स्टार्ट करने के बारे में सोचकर यहाँ पर आ गई। वो अपने आप को बेवकूफ समझने लगी और उसे अपने आप पर ज्यादा गुस्सा आया। लेकिन ऐसे टाइम पर उसे पता था कि उसे पैनिक नहीं होना है। एकमात्र वही है जो अपने बच्चों को ढूंढ सकती है, और यही बात सोचकर वो इधर उधर दौड़ने लगी। लेकिन उसे अपने बच्चे कहीं नहीं दिख रहे थे। वो उन दोनों को आवाज लगाने लगी और लोग बस उसे देखकर जज करने लगे। उन्हें लगा कि कोई शायद पागल औरत है जो अपने बच्चों के दुख को शेयर करने के लिए यहाँ पर आई है, पर कोई भी उसकी उस फीलिंग को नहीं समझ पा रहा था। जब कुछ वक्त बीत गया तब उसे समझ आया कि वो कुछ नहीं कर सकती है।
और यही बात सोचकर उसने तुरंत ही पुलिस को फोन लगाया। फोन उठाते ही उसने रोते हुए कहा, मेरे बच्चे खो गए हैं, आप प्लीज उन्हें ढूंढ लीजिए, आई रिक्वेस्ट। मैं आधे घंटे से उन्हें ढूंढ रही हूँ, मैं अभी क्लासिक क्लब के बाहर खड़ी हूँ, आप प्लीज जल्दी से यहाँ पर आ जाइए। लेकिन सामने किसी रूढ़ हवलदार ने फोन उठाया था और उसने चिल्लाते हुए कहा, मैडम आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? आपको पता नहीं कि 24 घंटे के अंदर कोई भी मिसिंग रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है? अभी आधा घंटा ही हुआ है। देखिए आप आसपास कहीं खेल रहे होंगे या फिर कुछ खरीद रहे होंगे, अगर 24 घंटे में नहीं मिलते हैं तब फोन लगाइएगा। इतना कहकर उस हवलदार ने फोन काट दिया और फिर गुनगुन अपनी किस्मत पर रोने लगी। आसपास के लोग उसे देख रहे थे, सब उसे पागल ही समझ रहे थे। लेकिन तभी गुनगुन के सामने कोई खड़ा हुआ और गुनगुन ने देखा कि ये वही ब्लैक टक्सीडो है जिसे वो बहुत अच्छे से जानती है। जब उसने ऊपर देखा तो वहां पर साहबजादा थे जो बहुत ही हैरानी से उसे देख रहे थे और उन्होंने पूछा, क्या हो गया है गुनगुन, तुम यहाँ पर ऐसे और रो क्यों रही हो? क्या किसी ने तुम्हारे साथ कुछ किया है? बताओ मुझे। उससे आपका कोई लेना देना नहीं है, आप यहाँ से चले जाओ, गुनगुन ने चिड़चिड़ाते हुए कहा। ऐसे टाइम पर वो साहबजादा से कोई भी बहस नहीं करना चाहती थी, लेकिन साहबजादा ने उसका हाथ पकड़ा और उसे खड़ा करते हुए कहा, लेना देना है गुनगुन, तुमसे रिलेटेड हर बात का लेना देना मुझसे है। अब मुझे जल्दी से बताओ क्या हुआ है, ताकि मैं उस चीज का सलूशन देकर तुम्हारी मदद कर सकूं। आपको क्या लगता है कि हर बार मुझे आपकी जरूरत पड़ेगी? मैंने कहा ना, यहाँ से चले जाइए। गुनगुन ने अपनी उसी टोन में जवाब दिया। साहबजादा को बहुत ही गुस्सा आ रहा था और तब उन्होंने अपनी आवाज को तेज करते हुए कहा, देखो गुनगुन, मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश मत करो, सीधे सीधे बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है। मुझे फालतू की नौटंकी नहीं चाहिए, तुम अपना भी टाइम वेस्ट कर रही हो और मेरा भी। साहबजादा की बात सुनकर गुनगुन को लगा कि वो शायद सही कह रहे हैं। अगर गुनगुन यहाँ पर चिड़चिड़ाती रही तो कहीं देर न हो जाए और साहबजादा के अलावा कोई भी उसकी मदद नहीं कर सकता था उस वक्त। तब उसने कहा, अप्पू और डप्पू गायब हो गए हैं, मैंने उन्हें पार्टी में जाने से पहले कार के अंदर छोड़ा था और जब मैं वापस आई तब वो यहाँ पर नहीं थे। मैं पिछले आधे घंटे से इधर उधर दौड़कर उन दोनों को ढूंढ रही हूँ। मैंने लोगों से भी पूछा लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं देखा, और मैंने पुलिस को भी फोन लगाया लेकिन वो कहते हैं कि 24 घंटे के पहले कोई भी मिसिंग रिपोर्ट फाइल नहीं होगी। बताओ अब क्या मदद कर सकते हो आप? साहबजादा गुनगुन की बात सुनकर शॉक्ड हो गए और उन्हें ऐसा लगा जैसे कि उनके पैरों तले जमीन खिसक गई है। गुनगुन बस उनकी आंखों में देखकर इस चीज को समझने की कोशिश कर रही थी कि साहबजादा आप क्या करने वाले हैं। लेकिन अगले ही पल साहबजादा ने गुनगुन का हाथ छोड़ा और अपना फोन निकालकर एक नंबर डायल करते हुए जोर से चिल्लाकर कहा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, अभी के अभी, तुम जहाँ कहीं भी हो जल्दी से जल्दी क्लासिक क्लब पहुँचो, बहुत अर्जेंट है। सामने वाला आदमी कुछ कहता इससे पहले ही साहबजादा ने फोन काट दिया और तब गुनगुन बस हैरानी से उनकी तरफ देखने लगी कि आखिर उन्होंने किसको फोन लगाया था। तब साहबजादा ने गुनगुन का हाथ पकड़ा और उसे पार्टी की तरफ ले जाने लगे। एंट्री गेट के बाहर रुककर उन्होंने उसे पानी पिलाया और उसे कंफर्ट करने की कोशिश करने लगे। इतनी ही देर में गुनगुन ने देखा कि एक पुलिस जीप आकर उनके सामने रुकी और उसमें से एक ऑफिसर और तीन कांस्टेबल उतरे। वो आकर साहबजादा के पास खड़े हुए और तब उस ऑफिसर ने साहबजादा से कहा, क्या हुआ साहबजादा, तुमने इतनी अर्जेंटली मुझे फोन क्यों लगाया? मनीष, तुम गुनगुन को तो जानते हो, दरअसल इसके बच्चे मिसिंग हैं और इससे पहले कि कुछ भी गड़बड़ हो मैं चाहता हूँ कि तुम उन्हें ढूंढने में हमारी मदद करो। मनीष गुनगुन की तरफ देख रहा था जिसकी हालत बहुत खराब थी। उसके पूरे चेहरे पर रोने की वजह से आंसुओं के निशान बन गए थे और आंसू अभी भी आंखों से लगातार गिर रहे थे। तब मनीष ने उससे पूछा, आखिर बार आपने बच्चों को कहां देखा था? लेकिन गुनगुन कुछ कहती इससे पहले ही साहबजादा ने कहा, पार्टी में एंटर होने से पहले गुनगुन ने उन दोनों को कार के अंदर ही छोड़ा था और फिर जब वो वापस आई तो वो यहां पर नहीं थे।
ये कुछ 45 मिनट पहले की बात है। आई थिंक हमें पार्किंग के सीसीटीवी कैमरा चेक करने चाहिए। उसमें अगर हमें उनका कुछ भी पता चलता है तो हम उस फुटेज को फॉलो करेंगे। चलो मेरे साथ, मनीष ने कहा। और फिर वो साहबजादा के साथ सर्विलेंस रूम में जाने लगा। गुनगुन की हार्ट बीट अभी भी बहुत बड़ी हुई थी और उसे कुछ भी प्रॉपरली समझ नहीं आ रहा था। लेकिन उसे पता था कि अगर साहबजादा उसके साथ है तो जरूर अप्पू और डप्पू को ढूंढ ही लेगी। और अगले ही पल जब वो सर्विलेंस रूम में एंटर हुए तो वहां पर बैठे हुए सिक्योरिटी गार्ड ने मनीष को सलाम किया। मनीष ने उन्हें ऑर्डर देते हुए कहा, मुझे पार्किंग लॉट के पिछले एक घंटे की फुटेज चाहिए, प्ले करो अभी के अभी। वहां पर बैठे हुए ऑपरेटर ने एक ही बार में मनीष की बात सुन ली और वो पिछले एक घंटे की फुटेज को प्ले करने लगे, जिसमें गुनगुन की गाड़ी साफ साफ दिख रही थी और उसके अंदर दो बच्चे भी दिख रहे थे जो आपस में मस्ती कर रहे थे। गुनगुन को अपने बच्चों को देखकर खुशी हुई और उसके चेहरे पर थोड़ा सा सुकून आने लगा। लेकिन अगले ही पल उसने देखा कि कुछ देर गाड़ी खड़ी रहने के बाद अप्पू ने दरवाजा खोला और डप्पू भी उसके साथ उतर गई और वो कहीं जाने लगे। ऑपरेटर ने कैमरा फॉलो किया और दिखा कि वो दोनों पार्टी की तरफ ही जा रहे थे। गुनगुन समझ नहीं पाई कि वो ऐसा क्यों कर रहे थे, लेकिन वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे थे और ऑपरेटर बस उन्हें फॉलो कर रहा था। फिर अगले ही पल वो पार्टी के अंदर एंटर हो गए। तब ऑपरेटर मनीष की तरफ पलटा और उसने कहा, आई एम सॉरी सर, बट ये प्राइवेट पार्टी थी और उसकी वजह से सारे कैमरा बंद थे। हमारे पास आगे की कोई फुटेज नहीं है। अगर बच्चे पार्टी में होते तो मैं उन्हें जरूर देख लेता। अब फास्ट फॉरवर्ड करो, शायद वो यहाँ से बाहर निकल गए होंगे, साहबजादा ने कहा। और तब उस ऑपरेटर ने रिकॉर्डिंग को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया और कुछ ही सेकंड्स में सब ने देखा कि वो दोनों किसी आदमी का हाथ पकड़कर बाहर निकल रहे थे। उन दोनों के चेहरे पर स्माइल थी, लेकिन उस आदमी ने अपने सिर पर हैट लगा रखी थी जिसकी वजह से उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। जिस तरीके से वो सूट अप करके आया था उससे यही साबित हो रहा था कि वो पार्टी का ही मेंबर था, लेकिन वो था कौन इस चीज को कोई समझ नहीं पा रहा था। गुनगुन बहुत हैरान हो गई और एक बार फिर से उसकी आंखों में से आंसुओं की लड़ी शुरू हो गई। अप्पू और डप्पू के अलावा उसे इस दुनिया में कोई भी प्यारा नहीं था और अगर वो उन दोनों को ही खो देती तो उसके लिए सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो सिसक सिसक कर रोने लगी और अपने घुटनों पर गिर गई। कोई भी उसे संभाल नहीं पा रहा था और सब बस स्क्रीन की तरफ घूर कर उस आदमी को देख रहे थे कि आखिर वो कौन हो सकता है। लेकिन तभी गुनगुन का फोन बजने लगा। वो एक अननोन नंबर था और मनीष ने उसका फोन छीन लिया। फोन उठाने से पहले उसे लाउड स्पीकर पर कर दिया। तब सामने से एक आदमी की आवाज आई, तुम्हारे बच्चे मेरे पास है, मुझे पता है कि वो कहाँ पर थे और क्या कर रहे थे। अगर तुमने कोई भी होशियारी दिखाने की कोशिश की तो आज रात तुम्हें बच्चे नहीं बस उनका सिर मिलेगा और शरीर कहीं और। मैं जितना कहता हूँ उतना करो। अपने साहबजादा से कहना कि मुझे 1 करोड़ रुपए भेज दे, तभी मैं दोनों बच्चों को छोड़ दूंगा। और ये ध्यान रखना कि ये कोई धमकी नहीं है, ये सीधा एक्शन है। अगर मैं उस पार्टी में से तुम्हारे बच्चों को उठा सकता हूँ तो उन्हें मार भी सकता हूँ। आगे तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है लॉयर गुनगुन माथुर कि तुम इस बार इस केस को किस तरीके से जीतती हो। इतना कहकर उस आदमी ने फोन काट दिया और गुनगुन के होश उड़ गए। वो किसी भी बात पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरी दुनिया उसकी आंखों के सामने से गायब हो रही है और सब कुछ ब्लैक हो रहा है। कुछ ही सेकंड में गुनगुन की आंखें बंद हो गई और वो नीचे जमीन पर गिर गए। साहबजादा ने गुनगुन को उठाने की बहुत कोशिश की लेकिन उसका कोई मतलब नहीं था। वो बेहोश हो चुकी थी। वो हर कोशिश कर रहा था जिससे गुनगुन सही हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तब उसने गुनगुन को गोद में उठाया और उसे बाहर ले गया। जैसे ही वो पार्किंग लॉट में पहुंचा, उसे फोटो क्लिक होने का बहुत ही हल्का साउंड सुनाई दिया, लेकिन उसने उस पर फोकस नहीं किया और वो बस जल्दी से जल्दी गुनगुन को सेफली कहीं पर ले जाना चाहता था। साहबजादा ने गुनगुन को गाड़ी में लेटाया और फिर वो वहां से अपने घर की तरफ जाने लगा। उसने कार की स्पीड तेज कर रखी थी और वो हर चीज को हल्के में ले रहा था। उसे फर्क नहीं पड़ रहा था कि कोई भी उसके सामने किस तरह से गाड़ी चला रहा है। वो बस अपनी धुन में जाता जा रहा था और बैक सीट पर लेटी हुई गुनगुन गाड़ी के मूवमेंट के साथ इधर उधर हो रही थी और साहबजादा
बस उसकी तरफ फोकस कर रहे थे। लेकिन तभी साहबजादा का सामने सड़क पर ध्यान नहीं था, जिसकी वजह से उन्होंने देखा नहीं कि वहाँ पर रेड सिग्नल लगा है और उन्होंने सिग्नल क्रॉस कर लिया था। सामने से एक गाड़ी आ रही थी और उन्होंने साहबजादा की गाड़ी को ठोक दिया। वो क्रैश इतना खतरनाक हुआ कि सब जगह ट्रैफिक जाम हो गया और सब लोग यही सोचने लगे कि शायद उन दोनों गाड़ियों में कोई भी जिंदा नहीं बचा होगा। साहब जब अपने विला पर पहुँचे तब विला में सन्नाटा था। ऐसा लगा जैसे सब सो चुके हैं। साहब ने गुनगुन को गाड़ी से उतारा और गेस्ट रूम की तरफ उठाकर ले गए। गुनगुन बेहोश थी, उसे इस बात की भनक नहीं थी कि साहब उसे अपने घर लेकर आए। ये साहब का प्यार था या सिर्फ एक अच्छे इंसान होने के नाते वो गुनगुन को अपने घर ले आए थे।